हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की सुपरस्टार वरुण धवन की सबसे बेहतरीन मूवी जिसका नाम है स्त्री डांसर 3D, आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के रिव्यू को लेके हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप वरुण धवन की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और स्त्री डांसर 3D फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो कहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तो आपको बता दें स्त्री डांसर 3D फिल्म रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित की गई और टी सीरीज और RD एंटरटेनमेंट के बैनर के तले बनाया गया भूषण कुमार एन कृष्णा कुमार और साथ ही लीजेल डिसूजा द्वारा निर्मित की गई फिल्म 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की डांस वाली फिल्म है। फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन एंड श्रद्धा कपूर एंड प्रभु देवा ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं। इस फिल्म के संगीत की अगर हम बात करें तो फिल्म के संगीत जो है सचिन जिगर एंड तनिष्क बाजमी ने तैयार किए हैं और फिल्म में बादशाह गुरु रांगवा एंड साथी गुरिंदर सिंगल इस फिल्म में शामिल है। और बात करें हर्ष चैन की उपदेश के बारे में, तो इस फिल्म को काफ़ी अच्छे बनाया गया था और हर्ष चैन की उपदेश धारा रचित किया गया था और टी सीरीज के बैनर के तले इस फिल्म को रिलीज किया गया था इंडिया के अंदर। ये फिल्म सिंगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा रचित की गई थी और टी सीरीज के बैनर के तले रिलीज किया गया था। इस फिल्म को लंदन में स्थित स्त्री डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो इनकी प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल करती हुई फिल्म में बतलाया गया है, जिसके सदस्य इनकी अलग अलग इच्छा के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिता में से एक जो है ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों और साथ ही कठोर यादों में वह प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। और बात करें इस फिल्म के बारे में, तो मूल रूप से डिज्नी की ABC 2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी, लेकिन भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म को शीर्षक से हटा दिया गया था और भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम बदलकर इसका वर्तमान शीर्षक कर दिया गया था। और फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ था और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में इसे लपेटा गया था और फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के लिए 24 जनवरी 2020 को भारत में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का पहले शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में वरुण धवन इन साथी बाजवा और खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में खुराना शेड्यूल लंदन में कपूर और साथी नूरा फतेही सहित जो है बाकी टीम के साथ हुआ था, क्योंकि मुख्य भूमिका के कैटरीना क्योंकि सबसे पहले मुख्य भूमिका के लिए इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को चुना गया था और मूल पसंद थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में श्रद्धा कपूर को इस फिल्म में शामिल किया गया और शूटिंग के कई जो है शेड्यूल के दौरान उन्हें साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। यह फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी और इस फिल्म को 24 जनवरी को इंडिया के अंदर 2020 में रिलीज किया गया था। फिल्म में वरुण धवन के फर्स्ट लुक पोस्टर का अनावरण 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ किया गया था, लेकिन पोस्टर में दिखाया गया था कि यह फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगा और सेम इसी दिन को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म को 97 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता के बारे में हम बात करें तो फिल्म में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नूरा फतेही ने अभिनय किए हैं और फिल्म के संगीत सचिन जिगर ने तैयार किए हैं और फिल्म को 24 जनवरी को रिलीज किया गया था। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होने के बाद बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि फिल्म ने उतनी अच्छी कमाई नहीं की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म की क्या कमी थी कि जिसकी वजह से फिल्म कमाई नहीं किया, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें फिल्म के रिलीज डेट के बाद, तो फिल्म को 24 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था रिलीज होने के बाद। इस फिल्म से एक बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि फिल्म जो है बहुत ही अच्छी कमाई करेगी, लेकिन ये सभी को गलत साबित करके ये फिल्म सीधा फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इसी टाइम जो है COVID-19 का 2 साल का लॉकडाउन भी इंडिया के अंदर लग चुका था, इसकी वजह से सारे सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म को 97 करोड़ के बजट पर बनाया गया
किया था और फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से अधिक की कमाई किया, यानी कि इस फिल्म ने सिर्फ 1 करोड़ का ही मुनाफा किया है और जिसकी वजह से इस फिल्म को फ्लॉप साबित किया गया, फ्लॉप घोषित किया गया था। दोस्तों इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट पर हम बात करें तो फिल्म में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नूरा फतेही फिल्म में अभिनय किए थे और फिल्म को रिलीज किया गया 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करें तो इस फिल्म को रेमो डिसूजा सर ने डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी भी रेमो डिसूजा सर ने ही लिखी है। फिल्म के प्रोड्यूसर पर हम बात करें तो भूषण कुमार, एनदीबिया खोसला कुमार, कृष्णा कुमार एन साथी लीजेले डिसूजा सर ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज किया गया था और ठीक उसी टाइम कोविड-19 का लॉकडाउन भी लग गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित की गई और टी सीरीज और RD एंटरटेनमेंट के बैनर के तले भूषण कुमार, कृष्णा कुमार और साथ ही लीजेल डिसूजा द्वारा निर्मित की गई फिल्म 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की डांस वाली फिल्म है। आपको बता दें फिल्म में नूरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा भी नजर आए थे। एक साथ इस फिल्म के संगीत को और हम बात करें तो फिल्म के संगीत सचिन जिगर एंड तनिक्स बागची ने तैयार किए थे। आपको बता दें बादशाह गुरु एंड साथी रात हुआ गुरिंदर इस फिल्म में दिखलाई दे चुके हैं, काम कर चुके हैं। गुरिंदर सर इन साथी सिंगल और हर्ष जैन के उप अध्यक्ष धारा जो है रचित किए गए थे और टी सीरीज के बैनर के तले रिलीज किया गया था फिल्म के गाने को और फिल्म को भी, क्योंकि लंदन में स्थित स्ट्रीट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य वाली टीम और एक जो है इनकी प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल करता है फिल्म के अंदर, जिसके सदस्य अलग अलग जो है रहते हैं और इच्छा के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिता में अलग अलग जगहों से भाग लेते हैं। इस फिल्म के अंदर पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल किया जाता है, जिसके सदस्य अलग अलग इच्छा के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिता में से एक जो है ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक खुद को जो है बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें विभिन्न यानी कि परिस्थितियों और साथ ही कठोर यादों में वह जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। अब यहाँ पे मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 फिल्म जो आई थी 2015 की, उसकी अगली कड़ी भी आप इस फिल्म को कह सकते हैं, क्योंकि 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और भारतीय फिल्म निर्माण से डिज्नी के बाहर जो है निकलने के कारण फिल्म को शीर्षक से हटा दिया गया था और भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार जो संभालने के बाद इसका नाम भी बदलकर इसका जो है वर्तमान शीर्षक कर दिया गया। अब आपको बता दें फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ था और बाद में इस फिल्म को लंदन में शूट किया गया था। जुलाई 2019 में इसे लपेटा गया था। फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के लिए 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। अब आइए दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं और इसकी कहानी किस तरह से लिखी गई इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करते हैं, इस फिल्म में इंदर सिंह नरूला एक डांसर इंसान है जो कि स्ट्रीट डांसर नाम की एक डांस टीम का नेतृत्व करते हैं और इंदर को सबसे पहले ग्राउंड जीरो यानी कि बैटल में अपने भाई सह सिंह नरूला के साथ नाचते हुए दिखलाया गया है। आपको बता दें लेकिन एक जो है कि फ्लिप स्टर्न करते समय वह अपने पैर को घायल कर देता है। 2 साल बाद वह जो है ठीक हो रहा है लेकिन नृत्य नहीं कर सकता और सहज फिर से जो है स्ट्रीट डांसर बनता है और पैसे के माध्यम से इसे एक जो स्टूडियो में बदल देता है, जिसके सूत्रों का खुलासा करने में वह जो हिचकिचाता है क्योंकि पूरी डी और उनके साथ सुशी के साथ जो सहज के करीबी दोस्तों में से एक है जो सभी स्ट्रीट डांसर का हिस्सा है और स्ट्रीट डांसर टीम को डांस स्टूडियो दिखाते समय वह एक पाकिस्तानी डांसर इनायत नाजी और उसके दल रूप से जो है इनकी ब्रेकर्स से भिड़ जाते हैं। अब आपको बता दें सहज और साथ ही इनायत हमेशा एक दूसरे के खिलाफ इस फिल्म में खड़े रहते हैं और उनके बीच डांस की लड़ाई होती रहती है। बाद में हम बात करें तो रूल ब्रेकर्स ने स्ट्रीट डांसर को पीटा। इसी प्रक्रिया में सहज को शर्मिंदा किया गया और इनायत का चचेरा भाई जैन उसे घर ले जाता है। उनका परिवार रूढ़िवादी है और इनायत उनके नृत्य के बारे में झूठ बोलते हैं और उन्हें सच्चाई छिपाते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं हम स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म के कहानी के बारे में। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स
बॉक्स कलेक्शन को लेके हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहिएगा। आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। तो आइए अब यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को और भी थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सहज रोयल का दौरा करते हैं जो एक जो है सर्वकालिक रिकॉर्ड इंसान है, धारक नृत्य समूह है जो कि हमेशा ग्राउंड जीरो प्रतियोगिता जीतता है। अब आपको बता दें उसकी प्रेमिका मियाँ टीम में है और वह एक जो है कि अविश्वसनीय नर्तकी है। वह चर्चा करती है कि इनायत से सहज कितना यानी कि चिढ़ जाता है और वह उसे शांत करती है। मियाँ स्त्री डांसर गिरोह को जो है प्रशिक्षित करती है, इससे उन्हें वह जो है चिंगारी मिलते हैं जो चाहते थे। और भारत सहेज की टीम और पाकिस्तान इनायत की टीम के बीच जो है क्रिकेट मैच के लिए दो गिरोह एक जो है रेस्तरा में मिलते हैं। आपको बता दें मियाँ की मदद से स्त्री डांसर जीत जाती है और इससे डांस की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां मियाँ अपने मूव्स दिखाते हैं। जैसे ही दो टीमों के बीच जो है लड़ाई छिड़ जाती है, पुलिस और साथ ही रेस्तरा जो है प्रबंधक राम प्रसाद उर्फ यानी कि अन्ना लड़ाई को नियंत्रित करते हैं। उनके जाते ही इनायत ने देखा कि कुछ यानी कि बेघर लोग पिछले यानी कि दरवाजे से रेस्तरा में प्रवेश कर रहे हैं। वह उनका पीछा करती है और राम से मिलती है। वह उसे समझाता है कि ये अवैध यानी कि अप्रवासी है और वह उन्हें ऐसा खाना खिलाता है जिसका जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वह उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाता है जहाँ कई जो है अवैध यानी कि अप्रवासी रहते हैं। वह उससे कहता है कि वह अपने घर यानी कि वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इसी प्रक्रिया के लिए पैसे नहीं है। वह जो है यानी कि भावुक हो जाती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक दिन जब जो है पूरी डांस स्टूडियो पहुंचता है तो वह देखता है कि पुलिस वाले सहज से पूछताछ कर रहे हैं। सहज ने खुलासा किया है कि जब वह अपने चचेरे भाई की शादी के लिए भारत गया था तो उसकी मुलाकात जो है यानी कि अमरिंदर मेहरोत्रा से हुआ और उसके तीन अन्य दोस्तों से हुई जो शादी में ढोल बजा रहे थे, उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। वह सहज से उन्हें लंदन ले जाने का अनुरोध करते हैं, इसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके एजेंट के बाद उन्हें अपने दल के एक हिस्से के रूप में एक बार की यात्रा के लिए लंदन ले जाने के लिए 4 मिलियन रुपए की एक बड़ी राशि की पेशकश की। वह यानी कि सहमत हो जाता है इन पैसों को देखकर और इसी तरह उन्हें जो है डांस स्टूडियो खरीदने के लिए पैसे मिले और पूरी किसी को नहीं बताने का यहाँ पर वादा किया है और डांस शो को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है फिल्म के अंदर। दोस्तों फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और फिल्म की कहानी की गहराई में हम जाए तो इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इतनी अच्छी कहानी रखने के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हुई, इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। बहुत ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फिल्मों को फ्लॉप घोषित किया गया था क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतने प्रदर्शन नहीं किया जितनी कि इस फिल्म से उम्मीदें की जा रही थी। आपको बता दें ग्राउंड जीरो बैटर रिटर्न इंदौर ने सहज को भाग लेने और इसे जीतने के लिए कहा। इनायत ने भाग लेने का फैसला किया ताकि वह पैसे का इस्तेमाल अवैध यानी कि अप्रवासियों की मदद के लिए कर सके और राम उसका जो है समर्थन करते हैं। राम दो गिरोह को मिलते हुए देखते हैं और कहते हैं कि अगर वह एक हो जाए तो वह जो है प्रतियोगिता जीतेंगे, लेकिन दोनों ने इसी यानी कि ऑफर को ठुकरा दिया। इन नाइट यानी कि क्लब में अपने डांस से सहज ने रॉयल्स को प्रभावित किया है। वह डी और साथ ही पोडी और उनके साथ जो सुशी रॉयल्स के लिए चुने गए हैं। दोनों गिरोह फिर से रेस्तरा में मिलते हैं। उनका एक तर्क होता है, एक तर्क है जो राम के नृत्य के साथ जो समाप्त होता है, जो सहज को अपनी जो यानी कि क्षमता दिखलाता है। अपने जो अहंकार से अंधे हुए सहज ने और सर को ठुकरा दिया। इस मौके को उसने ठुकरा दिया और फोड़ी इनायत के गिरोह की एक लड़की जो है अलीशा के साथ रिश्ते में है। उन्हें यह पता चलता है कि इनायत का गिरोह ग्राउंड जीरो बैटल में भाग ले रहा है ताकि वह उन्हें पुरस्कार राशि प्राप्त कर सके जो कि अवैध यानी कि अप्रवासियों की मदद के लिए 1,00,000 पाउंड है। और रॉयल्स डांस स्टूडियो में सहज को इसके बारे में बताता है कि सहज जो है पोड़ी को नहीं मानता और उन दोनों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके कारण पोड़ी रॉयल्स छोड़ देता है और वह नियम यानी कि तोड़ने वालों में शामिल होने का फैसला करता है।
अब इनायत पोडी को टीम में स्वीकार करती है और स्त्री डांसर टीम के अन्य जो यानी कि सदस्य भी खुद को जो है अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि सहज अब यानी कि अपना सारा समय रॉयल्स के साथ बिताता है और प्रतियोगिता के पहले दौर को रॉयल्स और साथ ही नियम तोड़ने वाले दोनों जो है आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। जैसे ही सहज डी और साथ ही उनके साथ सुशी बस में बैठते हैं, वह जो है कि अमरिंदर से टकराते हैं। अमरिंदर सहज को बताता है कि जब उसने उन्हें छोड़ दिया तो वह एक यानी कि छात्रावास में चले गए, वहां पर सभी अवैध यानी कि अप्रवासी रह रहे थे और पुलिस ने उनका पीछा किया। यह महसूस करते हुए कि एजेंट ने उन्हें बड़ी रकम की मांग करके और उन्हें जो है अवैध रूप से यूके भेजकर जो है कि धोखा दिया था, उन्हें सिख के रूप में पहचान छोड़ने और साथ ही पासपोर्ट ले जाने के लिए मजबूर किया गया। वह और तीन पंजाबी जो है ड्रामर यानी कि बगैर अवैध जो है यानी कि अप्रवासियों में शामिल हो गए। इनायत का गिरोह उनकी मदद के लिए नाच रहा था, वह जो है इनकी सहेज में मदद मांगते हैं लेकिन वह यह कहते हुए चले जाते हैं कि वह उसे नहीं जानता। दोनों टीम क्वार्टर फाइनल से आगे निकल कर यानी कि सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। बाद में रॉयल्स और साथी जो है सहेज लंदन में चल रहे हैं, वह ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां रॉयल्स के नेता मार के गलती से अपने जो है इनकी ड्रम तोड़ देते हैं। उन्हें देखने के बाद सहज को अपने जो है कामों का दोषी महसूस होता है और सेमीफाइनल राउंड में सहज यानी कि रॉयल्स छोड़ देते हैं। वह इनायत के गिरोह को राउंड जीतने में मदद करता है, फिर वह रॉयल्स छोड़ देता है और मियाँ का दिल टूट जाता है और दो समूहों में शामिल हो जाता है। इनायत ने इंदर की कहानी से अवगत होने के कारण जो है इसे स्त्री डांसर नाम देने का फैसला किया है। अब एक तरफ स्त्री डांसर की जीत के लिए यहाँ पे कई सारे लोग जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कई प्रार्थनाएं होती हैं और फिर जो है इनायत के परिवारों को उसके नृत्य कार्यों के बारे में यह पता चलता है। उन्होंने टीम को चौंकाते हुए उसे नाचने से रोक दिया। सहज और जैन उसके घर जाते हैं और उसके परिवार को उसे जो है नाचने के लिए मना लेते हैं। ग्राउंड जीरो बैटल के अंतिम दौर की तैयारी के दौरान जो है सहज और इनायत के बीच एक रिश्ता पनपता है और वह जो है प्रदर्शन करते हैं और भीड़ को विस्मित करते हैं। स्त्री डांसर प्रदर्शन करता है और उनके नृत्य के बीच में रॉयल्स का एक सदस्य संगीत को उधार देता है, जो कि मेजबान उन्हें जो है बताते हैं कि अगर संगीत नहीं है तो वह नृत्य नहीं कर सकते। इसके बाद जो है यानी कि अमरिंदर अपने दोस्तों के साथ अपने ढोल का इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें नाचने के लिए संगीत बनाया जा सके। मार्क को यह पता चलता है कि उसकी टीम के सदस्य ने संगीत बंद कर दिया है और वह इसे यानी कि वापस डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह धोखा नहीं देना चाहता था और अपने नृत्य के अंत में सहज यानी कि फ्लिप स्टर्न करता है, जिससे उसका भाई पूरी तरह से घायल हो गया और अपने भाई और अपने जो है देश को साथी जो है ना कि गौरवान्वित करते हुए सहज ने रॉयल्स को जो है हराने के लिए स्त्री डांसर प्राप्त किया और प्रतियोगिता जीती। रॉयल्स का सामना भी यानी कि अर्जित किया गया और अंत में सहज और इनायत एक रिश्ता शुरू करते हैं, क्योंकि वह जो है कि अप्रवासियों की मदद करना चाहते हैं। और साथ ही क्रेडिट के दौरान के दृश्यों से पता चलता है कि अमरिंदर अपने घर जो है पहुंच गया, जबकि बाकी ड्रामर यूके की कानूनी इंसाफी गिरावर कानूनी जो है नागरिकता हासिल कर लेते हैं। यह फिल्म यूके में काम कर रहे एक गैर इंसाफी सरकारी संगठन SWAT को अपनी प्रेरणा के रूप में अवैध इंसाफी अप्रवासियों की सहायता के लिए उद्धार करती है। दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म की कहानी बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म की जाती है। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद फिल्म भी उतनी अच्छी कमाई नहीं की। चलिए अब बात करते हैं, ये फिल्म उतनी अच्छी कमाई नहीं की, क्यों नहीं की? तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि COVID-19 के टाइम में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, दूसरी तरफ COVID-19 का लॉकडाउन जो है लगा दिया गया था। इस फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में वरुण धवन, एन साथी, वाजवा और खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल लंदन में कपूर और फतेही सहित जो है बाकी टीम के साथ शूट हुआ था। मुख्य भूमिका के लिए कैटरीना कैफ मूल पसंद थी, लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और बहुत बाद में जो है कपूर कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म के लिए। अब शूटिंग के दौरान मई इन साथी शेड्यूल के दौरान उन्हें जो है यानी कि साथी मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। यह फिल्म 26 जुलाई
2019 को पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। आपको बता दें फिल्म में वरुण धवन के फर्स्ट लुक पोस्टर का अनावरण 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ किया गया था और पोस्टर में दिखलाया गया था कि यह फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी और सेम इसी टाइम में इस फिल्म को रिलीज किया गया। और रिलीज होने के बाद फिल्म से जितनी उम्मीद थी उतनी अच्छी कमाई नहीं की, क्योंकि फिल्म ने जो है काफ़ी बेहतरीन कमाई नहीं किया और फिल्म को फ्लॉप साबित कर दिया गया। इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो फिल्म को 97 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से आधे की कमाई की। अब तो दोस्तों ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि फिल्म को उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और फिल्म को ज़्यादातर लंदन में शूट किया गया था और फिल्म को जब रिलीज किया गया तो लोग इसके बारे में ये कह रहे थे कि ये फिल्म एक अलग हलचल मचाएगा बॉक्स ऑफिस पे और इस फिल्म के अभिनेता भी यही सोच रहे थे, लेकिन सभी को गलत साबित कर दिया और फिल्म बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के मुख्य अभिनेता अगर हम बात करते हैं वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नोरा फतेही फिल्म में अभिनय किए थे और इन सभी को आपने एक साथ फिल्म में देखे थे। फिल्म के डायरेक्टर अगर हम बात करते हैं रेमो डिसूजा सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म की कहानी भी रेमो डिसूजा सर ने ही लिखे थे। बेस्ड ऑन द लंदन स्ट्रीट डांसर 3D एक्सपोर्ट द फिल्म एंड कन्फाइड द बटवीन एंड द इंडियन डांस टीम एंड द रिवाइल पाकिस्तानी डांस टीम विच द एंड मेंबर द ट्राई द एंड प्रूव द एंड थीमिस एज द बेटर अंटिल द एंड टेक पार्ट इन द एंड ग्राउंड 01 ऑफ द एंड बिगेस्ट डांस द एंड कॉम्पिटिशन फॉर द डिफरेंट will be under the end version the end cream group plus the end has the end memories thread com and together to be win the end competition originally planned as the end sequel to be Disney ABC 2 and 2015 movie the film was the end take of the film entitled do you to Disney is the end exit from the Indian film production and was the instead at the end Renamed to be in current title after the Bhushan Kumar and took over as the producer filming the end commission in February 2019 in Punjab. Later the movie moved to the London and was the end operated off in July 2019. The film was the theatrical release in India on 24 January 2022. The end negative review in the movie India dancer Nurul is the dancer who the leads and dance team the animated street dancer Inder is the first show to be and dancing at the ground the zero and battle with his the and brother the Sahej Singh Narula. Sahej Singh Narula and cheering for him the bird the and will be doing a flip the and stone here the and Anjura hit the league and after 2 years he is the and healing is the bird and cannot the dance and Sahej from the and is three dancer again and the and convert it is the into and studio the together money and with the and sources he is the and stand about the and refilling the and Pudi is one of the and Sahej close and friend and along with the and the and to see who are all the end part of the street dancer will be swing the end dance studio to the end street dancer team the end run into the end Inayat Naji a Pakistani dancer and had the end crow the role and breaker the end Sahej and the end Inayat have always he the been and Standardly the against to be in each other and the and have the and have a dance battle the and rule of the and break best the street dancer and embracing the inside it is the end process process unite the and commits then the entire here the entire and family is the end outer and out hope box in the unite the unite the and list about the and dancing the handing the film the intro the film the team and Sahej the visit the and royals and all the team the and record the holding dance group the and always win the and from the ground zero and competition hit the girlfriend and Mia is won the team and the hit the see hit the and incredible the dancer the and discourse on how the and irritated the and Sahej the easy and Inayat and the crime to be down and Man tend to is their dancer and gang the giver team his the end is parked the and wanted the film the and gangs meet off in the end restaurant from the end cricket the and cricket match between India and Sahej is the team Pakistan United team with the end Mai have the street dancer whence is the end list to be and dance battle the where Mai and so here the end moves here the end movies here the end a fight break out the between the end two teams the end planet the and police officer and restaurant and the restaurant manager the Ram Prasad aka Anna conducted the film fight at the end love Inayat see hit the end home the is the dream the movie is the final round the when the PD and the
रिचेट दी एंड डांस स्टूडियो ही द सी सहेज द एंड बिगिन द एंड इंटरटेड बाय द एंड कैप सहेज द एंड रिव हेल थेट विंटी वन टू बी इंडिया इंडिया फॉर हिज द एंड कंसेंट इन मैरिज ही द एन मैरिज ही द मीट द अमरिंदर मल्होत्रा एंड थ्री वदर द फ्रेंड द एंड प्लेइंग डुअल इन द मूवी अमरिंदर मल्होत्रा एंड थ्री अदर फ्रेंड द एंड प्लेइंग डोल इन द एंड मैरिज ही वॉज द एन इम्प्रेसड बाय द थ्रिल द एंटेंट बाय द एन रिक्वेस्ट द सहेज टू बी टेक द टीम टू लंदन विच ही द टेंशन आफ्टर थियर द एंड अगेंस्ट ऑफर हग इन द अमाउंट ऑफ द 4 million रुपीज टू बी टेक टीम टू एंड लंदन फ्रॉम द वन डे वन टाइम विजिट द पार्ट ऑफ द एंड हिज द क्रो ही अग्रीड टू बी दिस वॉज हिज द एंड गोट द मनी to buy the and dance studio the body and promises to be not tell it is the you anyone the ground zero battle the and return to be Indra and escape sahaj to be in the participate and win in the inayat and decide to the and participate so thread the and can use the money to be help the and illegal the and emerge in the end and the Ram support here the Ram college to be two and against the Mercy has the end the and become one day and will be hit the end competition but both the and team the team Danny the and offered the Sahed and impressive to be enrolled with the and dance at the end nightclub he the and T the Puddy and the Susie are the selected for the Royals the two and gangs meet in the end in the restaurant again the have the end agreement which hand the end with Ram the end design Ram dancing the end so and the show casting his the end ability to be sahed the end blended by the hit the end ego toned down the end the end opportunity Puddy is the in the relationship and the relationship with the and Alicia girl from the in Inayat is the end gang here the and releasing the Inayat the and Ganga are the end in the participant in the movie ground zero battle should be had the and can the end retribute team the in prize money which is the and 100,000 and pounds to be help illegal and emergent and the till the says about is the and royals and dance studio Sahej do is not and believe it the Puddy and the fight and ensues between the board of the team and this the end cause Puddy to and leave to be royals and the decide to be join the role and breakers and Inayat the accept and Puddy into the team other the end members of the three dancer team also feel left the and Sahej the and suspend all the time with the in royals the in now. The first round of the movie and competition is the end easily the end surprise by for the end royals and the role breaker as the Sahej D and the Susie gets into the end visit with the end role into the end Amrinder and Amrinder till the Sahej third after the end dropped team of the end they went to be in hostel over the other illegal the end emergent are the where the staying and have and decide and the chases by the end police the end releasing third the end again to be hit the end chat team by the end demanding the hug and sums of the money and the sending team to be UK illegally to the and forced to be the end identity as the end Sikh and the brought the end support he is the end three Punjab and room march when it the end homeless the illegal is the emergent to be an inert the games where the end design to be help he the end ask his for the help but the end Levi and the and leave saying to be in not now hit the movie and both team the in surprise to be in quarter final and enter to in semi final later the in royals and the sahaj are the in wilking in the london and they run into the end drummer where the end leader of the royals mago and accidentally break hit the end drum after the end saying the in sahaj felt the quality of his the ended in the semi final round sahaj the end level to be in royals and the help and Inayat the gang win the round hit the end quality in the royal the end breaking and Mia Hart in the join to be the end group with the Inayat in the design to be name is the three dancer 3D were of the India is the history Money and Patty Dear Oxford the movie is the Inayat family and Inayat family finds out about here the dancing action the Ben here the from dancing the shocking the team and Sahej and the Jane go here in house and confides here the family to be let here the end dance a relationship the end
एंड द ब्लॉसम बिटवीन द सहज एंड द यूनाइट इज द इन प्रिपेयर द फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द इन ग्राउंड जीरो बैटल द इन रॉयल्स ऑफ द इन परफॉर्म ऑन द इन इमेजिन द इन क्रोड द स्त्री डांसर परफॉर्मेंस एट द इन मिडल ऑफ द थिएटर डांस एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल्स टेक ऑफ द इन म्यूजिक द इन होस्ट द इन टेल टीम द हिज द एंड नो म्यूजिक द इन क्नोट डांस अमरिंदर And use the end drum with the Hindi friend to be in music for team to dance to and Mark find out of the team and members to the members talk of the end music and has the end to and pass it the back in and says he that did not want to be and chat at the ends of the from the end a dance to be dosed in flop the end in the flip stunt which got the end brother the injured the end flow wisely and making his the brother and the country the end proud of this has guest the street dancer 2 and default to be royals and the end movie in the end sahaj the end inait begin the relationship at the end have to be emerged the and is kind during to and create the reveal and Amrinder researched his the end will be and rest of the film and drama the again legal and the again legal the incident citizenship UK and the film increase SWAT and ego in the working to be an illegal the in emerged the in spread in the film. बात करें इस फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर एंड तनिष्क बाग्चमी द्वारा बनाए गए हैं। बादशाह गुरु एंड रांधवा गुरिंदर जो है इस फिल्म में सिंगल और हर्ष चैन के उपन्यास के लिए दिए हैं। आपको बता दें जबकि जो है गीत कुमार प्रिया एंड साथी सरैया गुरु एंड रांधवा बादशाह जिगर और साथी सरैया तनिष्क बाग्ची वायु एंड आईपी सिंह जो है इनकी गर्वा एंड पुरोहित ने लिखे हैं। कुणाल वर्मा एंड साथी गौरी संधू जो है सबीर अहमद एंड समीर अनजान एंड साथी मिलिन गब्बा और साथी असली गोल्ड में काम किए हैं। फिल्म का कदलन का गीत जो है यानी कि मुकाबला जिसे हिंदी में हमसे है मुकाबला के रूप में ड्रॉप किया गया था और फिल्म के मूल रूप से ए आर रहमान द्वारा रचित किया गया था। तमिल में वाली धारा गीत और पी के मिश्रा हिंदी में और साथी मानो और साथी जो है इनकी एस वंडा धारा जो है गाया गया और फिर जो है तनिष्क बागची धारा फिर से जो है बनाया गया। गाने का एक जो है इनके संस्करण शुरू में ABCD एनी बडी कैन डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गीत अवैध जो है इनकी हथियार 2.0 एंड साथ ही जैस्मिन जो है इनके सैंडल यानी कि सैंड लास्ट और गैरी संधु की जो है विशेषता वाले पंजाबी एकल और अवैध जो है हथियार का रीमेक है जिसे जो है इनकी बागची ने फिर से बनाया था। आपको बता दें पाँचवा गाना गलती लग दी लाहौर और दी गुरु रांधवा के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले गीत जो है लाहौर का रिमेक है जिसे सचिन जिगर के सहयोग से रांधवा ने खुद बनाया है। आपको बता दें फिल्म का छठा गीत हिंदुस्तानी मूल रूप से शंकर एहसान लोए धारा रचित की गई थी और सुनो गैर से जो है दुनिया वाले का रिमेक बनाया गया है। साथ ही समीर अनजान के गीत और शंकर जो है महादेव एन उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर जो है इनकी डोमिन धारा गाया गया है और हर्ष धारा फिर से इस फिल्म के गाने को बनाया गया है। सातवां गाने पर हम बात करते हो बेजुबान कब से यानी कि ABCD एनी बडी कैन डांस के गाने जो है कि बेजुबान का रिमेक है जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने आयोजित किया था और अधिकारों की खरीद के बाद जो है रिमेक के बोल जिगर एंड साथी सरैया द्वारा लिखे गए थे। जो संगीतकार जूरी सचिन जिगर के आधे थे जिन्हें जो है मूल रचना भी की गई थी और जिसके बोल जो है मयूर पुरी के थे। आपको बतला दें फिल्म का 11वां गाना जिस पर जो है कि सिर्फ 2.0 एक जो है कि प्रमोशन गाना है जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रिमेक है और जिसे जो है बागची ने रिमेक करके इस गाने को बनाया था। अंतिम गीत को अगर हम बात कर दो मिलेश सूर यानी कि भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इसी नाम के लोकप्रियता गीत का एक जो है यानी कि रिहायश है और राष्ट्रीय पर्व के दिनों में नियमित रूप से जो है प्रसारित होता है और मूल रूप से जो है अशोक यानी कि पाठक धारा अशोक पाठकी धारा रचित की गई जो है पीयूष पांडे के साथ मूल हिंदी गीत यानी कि लिखते हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित की गई रिहांस इन साथ ही संस्करण में वाई और साथ ही आईपी सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा गाने को लिखे गए थे और लगभग फिल्म के सारे गानों को सराहा गया था। फिल्म के गाने तो एक तरफ हिट हुए थे लेकिन फिल्म एक तरफ हिट नहीं हुई थी क्योंकि फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुई थी और फिल्म को जो है ज़्यादा यानी कि रिस्पांस भी नहीं मिला। फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हम बात करें तो फिल्म को 97 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से आधे की कमाई किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है वरुण धवन
श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, इंदूरा फतेही ने इस फिल्म में अभिनय की है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं वरुण धवन के बारे में और इनके बारे में यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ इनकी रियल लाइफ के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप वरुण धवन के फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। बात करें वरुण धवन के बारे में तो फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नती घम टेट और साथ ही यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की थी। उन्होंने ड्रामा फिल्म माय नेम इज़ खान में 2010 में करण जौहर के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म के उद्योग में अपना काम शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की और वरुण धवन को 2012 और 2018 के बीच लगातार इकरा हुआ बॉक्स ऑफिस सफलताओं में चित्रित किया गया है। आपको बता दें वरुण धवन ने रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो फिल्म 2014, हम्पति शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म 2017 और एक्शन कॉमेडी दिलवाले फिल्म 2015, एंधेसुम फिल्म 2016 और जुड़वा 2 फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में ये काम कर चुके हैं। 2017 डांस फिल्म एबीसीडी 2 एंड 2015 और ड्रामा फिल्म सुई धागा 2018 और उन्हें जो है क्राइम थ्रिलर फिल्म जो है बदलापुर मूवी में 2015 में एक बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली और एक जो है लक्ष्यहीन व्यक्ति ने अक्टूबर 2018 में नाटक में हार का सामना किया और इन फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने तब से जो है पीरियड ड्रामा कलंक फिल्म 2019 और साथ ही संगीत में फिल्म जो है स्त्री डांसर 3D 2020 के साथ साथ जो है अमेज़न प्राइम वीडियो कॉमेडी डामा कुली नंबर 1 फिल्म 2020 को प्रमुखता दी है, जिनमें से सभी जो है आलोचनात्मक और व्यवसायिक जो है विफलताएँ थी जो उनके करियर को बाधित करती है। तो वरुण धवन ने अब तक जो है कई सारे फिल्मों में काम किए हैं और ये एक अकेला अभिनेता है जिन्होंने 11 दफ़ा फिल्म फेयर अवार्ड लिए हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना जो है कोई आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है, उन्हें याद करके आपको बतलाना होता है और वीडियो भी आपको पता है 2 घंटे का ऊपर का है। दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे हम फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि मूवी की अपलोड करने का हमें अनुमति नहीं है। अब बात करें वरुण धवन की रियल लाइफ के बारे में तो वरुण धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ जौहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ड्रामा स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर के बेटे रोहन नंदा के रूप में अस्वस्थ फिल्म के अंदर जो अपनी प्रेमिका सानिया भट्ट और सबसे यानी कि अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक जो है वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए साथी प्रतिस्पर्धा करते हैं। बॉलीवुड हंगामा के फिल्म समीक्षक करण आदर्श ने वरुण धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है फिल्म के अंदर। और सीएनएन आईबीएन के राजीव मंसत ने कहा यह वरुण धवन है जो एक यानी कि आत्मविश्वास आकर्षण इस फिल्म में लाते हैं और मोड़ के साथ जो खड़े होते हैं दोनों ही यानी कि हास्यपूर्ण से निपटने में सक्षम है। और आपको बता दें संवेदनशील दृश्य यानी कि आसानी से फिट नहीं होते फिल्म के अंदर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का एक जो है सफलता जिसने जो है दुनिया भर में 1.9 बिलियन से अधिक की कमाई की यानी कि इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन से अधिक की कमाई की और उन्हें दर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद सह कलाकार आलिया भट्ट और मल्होत्रा के समान जो है जिनकी 2014 में उनसे पहले दूसरी रिलीज मूवी हुई थी और वरुण धवन को फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें से पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो मूवी था जो 2014 की फिल्म थी और तेलुगु फिल्म जो है यानी कि कंडीरेगा का रीमेक है जिसे बालाजी मोशन पिक्चर द्वारा निर्मित और उनके पिता डेविड द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने श्रीनाथ सीनू प्रसाद की भूमिका फिल्म में निभाई जो एक तेज तरार बउआ है जो अपनी ही सच्ची प्रेम रुचि सुनैना एन साथी गुराडिया के बीच एक प्रेम त्रिकोण में शामिल है। इलियाना डी क्रिज इस फिल्म में दिखाई दी थी, इलियाना डी क्रिज द्वारा निभाई गई और उसकी एक तरफा प्रेमी ऐसा सिंगल एक यानी कि खुखार गैंगस्टर जो है कॉम की बेटी है डॉन यानी कि नरगिस फाकरी द्वारा निभाई गई थी। और फिल्म फेयर की साथी रंदिता टंडन ने वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना में गोविंदा और प्रभु देवा से की। यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन भारतीय रुपये की व्यावसायिक जो सफलता के रूप में फिल्म उभरा था।
अब इसके बाद वरुण धवन ने एक यानी कि चुलबुले पंजाबी लड़के के रीमेक की भूमिका निभाई, जो कि नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हमपति शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में एक यानी कि व्यस्त पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म और साथ ही नवोदित टेलीविजन जो है अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के बाद दूसरी बार आलिया भट्ट के साथ उन्हें अभिनय फिल्म को जौहर धारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म 1995 के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया और ब्लॉकबस्टर में संक्षिप्त रूप से आए थे और इंडिया टुडे के रोहित खिलनानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की थी और मिंड की नंदिता रामनाथ ने उल्लेख किया है कि वह फिल्म के कुछ यानी कि शांत दृश्यों में कितने अलग थे। और हमपति शर्मा की दुल्हनिया फिल्म ने 1.11 मिलियन से अधिक की कमाई किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा। 1.11 मिलियन के 1.11 मिलियन को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो यूएसए डॉलर में फिल्म 15 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए वर्ल्ड की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक रूप में ये फिल्म उभरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्री डी फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि आपको बता दें फिल्म के कई ऐसे रीजन हैं जो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो वीडियो को अगर आप लोग भागा भाग के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग वीडियो को एक तरफ से देखना पसंद करोगे तो आपको वीडियो ऑफकोर्स अच्छा जरूर लगेगा। बात करें इनके बारे में, 2015 के बारे में, वरुण धवन की फिल्मों के बारे में, तो क्राइम थ्रिलर फिल्म बदलापुर जो है 2015 में रिलीज हुई थी। क्राइम थ्रिलर बदलापुर फिल्म 2015 में निर्देशक जो है श्रीराम राघवन ने वरुण धवन को पुणे के एक व्यक्ति राघव रघु एन साथी पुरोहित की भूमिका निभाते हुए देखा, जो 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का बदला एक जो है डकैती गलत तरीके से लेता है। फिल्म के अंदर रघु को चित्रित करना वरुण धवन के लिए एक जो है भयानक अनुभव था फिल्म के लिए, जो कि उनके साथ जो है अवसाद में फिसल गया था, क्योंकि एक बिंदु के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ, जिसके बारे में Rediff.com के राजा सेन ने उनके अभिनय क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपने सहज आकर्षक साथी आकर्षणों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जो है थोड़ी इन साथी असहाय प्रतिक्रिया सामना भी नहीं करते। वह जो है इनके ज्वालामुखी से बुलबुले उठते हुए उनकी आंखों में दिखलाई देती है। साहब उनकी आंखें अक्सर बात कर रही होती है। वह उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। बदलापुर फिल्म ने दुनिया भर में 811 मिलियन भारतीय रुपये की कमाई की थी। बतला दे वरुण धवन ने अगली बार श्रद्धा कपूर के साथ वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई म्यूजिक डांस फिल्म जो है ABCD एनीबडी कैन डांस की अगली कड़ी में अभिनय किया, जिसका शीर्षक जो है डिज्नी की ABCD 2 रखा गया है, जिसमें उन्होंने किंग्स एनसाथी यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक जो है सुरेश मुकुंद ने वास्तविक जीवन के चरित्र को चित्रित किया, जो एक जो है नर्तक इंसान है मुंबई से, जिन्होंने 2012 में विश्व हिप हॉप डांस एनसाथी चैंपियनशिप जीती थी। साथ ही रोयर्स के आलोचक जो है शिल्पा एन साथी जाम खंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की थी। वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर बाकी जो फिल्म सिर्फ संगीत एन साथी वीडियो का एक समूह हो सकती थी। ABCD 2 फिल्म ने दुनिया भर में 1.67 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में हम इन पैसों को कन्वर्ट करते 22 मिलियन डॉलर की कमाई की, और फिल्म के व्यावसायिक जो है प्रदर्शन ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को इसे वरुण धवन की स्टार पावर का ऊर्ध्वम मान्यता। अंततः वह और कपूर अपने जो है इनकी समकालीनों में एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक जो है लाइव एक्शन डिज्नी फिल्म में अभिनय किया। वह जो है उसी वर्ष उनकी अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी के कलाकारों की टुकड़ी के एक्शन ड्रामा जो है दिलवाले फिल्म में थी, जिसमें जो है शाहरुख खान एन काजोल और कीर्ति सुनन ने अभिनय किया था। आपको बता दें जिसमें जो है उन्होंने शाहरुख खान के चरित्र के छोटे भाई की भूमिका फिल्म में निभाई थी। साथ ही साथ उन्होंने कीर्ति सुनन की प्रेम रुचि भी इस फिल्म में दिखाई थी और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाओं के बावजूद जो है यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और जिसने दुनिया भर में 3.75 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो एक बहुत ही बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई, और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई की। वरुण धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली अब तक की रिलीज और सबसे अधिक जो है कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक के रूप में यह फिल्म उभरी।
मई 2016 में उन्होंने फिल्म कैप्टन इंसानी अमेरिका जो सिविल वार के लिए हिंदी में कैप्टन इंसानी अमेरिका की आवाज़ के लिए डब किया गया था। वह अगली बार एक्शन कॉप एंड कॉमेडी जो है डिसूम फिल्म 2016 में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था। जॉन अब्राहम और साथी जैकलिन फर्नांडिस के साथ जो है जुनैद जे अंसारी एक जो है धोखेबाज इंडो और साथी इंडो जो है इंडो इमरित पुलिस वाले के रूप में मिश्र समीक्षाओं के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे दुनिया भर में 1.2 बिलियन से आधे की कमाई किया, जो इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट करते तो 16 मिलियन से आधे की कमाई करने वाला सफल साबित हुआ था बॉक्स ऑफिस पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्री डेंजर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था, और फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें वरुण धवन की 2017 के बारे में, 2017 साल के बारे में इनकी कितनी फिल्में आए थे। तो साल 2017 के लिए इनको जो है काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। वरुण धवन ने खेतान और भट्ट के साथ जो है रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म 2017 के लिए फिर से काम किया, जो हम्पति शर्मा की दुल्हनिया का स्पिन ऑफ मूवी था, जिसमें से उन्होंने भट्ट के नायक चरित्र के लिए एक जो है इनके कट्टरपंथी मंगेतर का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने लिखा है कि वरुण धवन एंडलर के संघर्ष से पुरुष के रूप में प्रभावित करते हैं फिल्म के अंदर। इसके अलावा डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने कहा कि वरुण धवन और आलिया भट्ट जो साबित करते हैं कि स्क्रीन पर केमिस्ट्री कभी कभी आपको एक अनुमानित कथा के साथ एक जो है औसत कथानक में व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। उन्हें फिल्म के लिए फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन भी मिला। बाद में 2017 में उन्होंने डेविड की जुड़वा 2 फिल्म में अभिनय किया, जो उनकी 1997 की साथी जो है सलमान खान अभिनीत फिल्म जो है जुड़वा का रिबूट फिल्म था, जिसमें जो है फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ थे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 फिल्म दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी, और प्रत्येक ने 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। फोर्ब्स ने प्रकाशित किया कि लगातार 9 बॉक्स ऑफिस हिट और 100 सफलता अनुपात के साथ जो है वरुण धवन ने खुद को बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया था। वरुण धवन की 2018 में 2 रिलीज हुई मूवी साथी सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर और शरद जो है शरद कतारिया की सामाजिक जो है समस्या वाली फिल्म सुई धागा दोनों ने उन्हें मामूली व्यावसायिक जो है सफलताओं के साथ उन्हें प्रदर्शन के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली, और अक्टूबर सरकार की लगातार जो है सहयोगी जूही चतुर्वेदी धारा लिखित ने उन्हें जो है दानिश डैन इंसाती वालिया को चित्रित किया, जो एक लक्ष्यहीन होटल प्रबंधक जो प्रशिक्षुक है, इसका जीवन जो है उसके यानी कि सहकर्मी के कोमा में जाने पर कई जो है बदलाव से गुजरता है। एक अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाओं में फ्रस्पोस के अन्ना एमएम वेटी कैड ने वरुण धवन की इफेक्ट यानी कि एनजी उन्हें जो है स्टार रेडी और साथ ही एस वेगर जो है यानी कि ट्रेडमार्क जो है इनकी क्यूटनेस 2 प्ले डैन के लिए जो है सराहना की। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और लिखा है कि उनका जो है इनकी हास्य सहज है, लेकिन दर्द की उनकी जो है इनकी समझ और यह मानव इंसानी व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, यह और भी बेहतर हो सकता है। सुई धागा फिल्म ने क्रमश वरुण धवन इंसानी अनुष्का शर्मा को मौजी और साथी ममता के रूप में चित्रित किया, जो कि ग्रामीण भारत में एक जो है नवविवाहित जोड़े हैं जो अपने छोटे पैमाने पर जो है यानी कि कपड़ों का व्यवस्था शुरू करते हैं। और मेंट की उदिता झुंझुनवाला ने समीक्षा किया है कि वरुण धवन ने एक यानी कि सिंपल टी की भूमिका निभाने के लिए लेफ्टिनेंट को पूरा किया है, और मौजी के लिए एक जो है यानी कि समान इन साथी भोले पंत लाते फिल्म के अंदर भले ही वह प्यार से अक्टूबर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित मिला। आपको बता दें उसी वर्ष वह गुरु रांघवा के
एक गीत यानी कि हाई रेटेड जो है यानी कि गबरू के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष उपस्थिति में कपूर के साथ आए थे, जिसका जो है मनोरंजन राघव धारा जो है यानी कि नवाब जादे के साउंड एड पर जो है लिखा गया था, जो उनके ABCD2 निर्देशक रेमो के प्रोडक्शन डेब्यू थे, जिसने जो है काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपर हिट मूवी जिसका नाम है स्त्री डांसर 3D। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कर दिया और साथ ही निर्माताओं के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की गई थी। बिहार की एक अदालत ने पुलिस से अभिनेता सलमान खान और फिल्म के बाकी कलाकारों के खिलाफ जो है प्राथमिक दर्ज करने को कहा है और 18 सितंबर 2018 को सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर घोषणा की कि फिल्म का शीर्षक जो है यानी कि लव रात्रि से हटाकर जो है लव यात्री में बदल दिया जाएगा, जिसमें जो है यात्री का अर्थ यात्री होगा और इसी प्रकार इसका जो यानी कि साथ ही समग्र और जो है लगभग प्रेम की यात्रा के बदल जाएंगे, प्रेम की यात्रा में बदल जाएंगे। हालांकि अगले दिन गुजरात स्थित एक हिंदू संगठन और साथ ही सनातन फाउंडेशन ने कानूनी रूप से नए नाम के खिलाफ एक यानी कि जनहित और साथ ही याचिका दायर की थी और दावा किया कि यह भी यानी कि नवरात्रि के समान ही लग रहा है और उन्होंने एक यानी कि और नाम और साथ ही परिवर्तन और साथ ही संभवत लव की यात्रा की मांग की और फिल्म की सामग्री को बदलने के लिए या पूरी तरह से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं के पक्ष में फैसला सुना दिया और जिसमें कहा गया कि सलमान खान और साथ ही वर्चुअस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ देश के किसी भी हिस्से में कोई भी यानी कि जबरदस्त और साथ ही कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। केंद्रीय फिल्म साथ ही प्रमाण बोर्ड और साथ ही CBFC द्वारा मंजूरी दे दी गई और स्थिति के रूप में और अभी तक इसके खिलाफ बिहार में एक यानी कि प्राथमिकी दर्ज की गई थी और गुजरात के उनके साथ जो है यानी कि वडोदरा में एक आपराधिक और साथ ही शिकायत लंबित थी और उनके साथ जो है बयान का निष्कर्ष यहां कहते हुए समाप्त हुआ कि आगे की कोई भी शिकायत विशेष रूप से फिल्म की सामग्री या नाम से संबंधित शिकायतों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये एक फैक्ट था इस मूवी से जुड़े जो आप लोग को शायद नहीं पता था, जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया है। दोस्तों इसी तरह के काफ़ी रोमांटिक फैक्ट इस मूवी से जुड़ा हुआ है जो इस वीडियो में हम बताएंगे और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम लव यात्री मूवी को रिव्यू कर रहे हैं, इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी ऐसे नए बातों को बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अब इस मूवी की कहानी को यहाँ पर हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और बताएंगे इस फिल्म की कहानी किस तरह से लिखी गई है। इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो कहानी शुरू होती है सुश्रुति सु और साथ ही पाड्या के शिक्षक धारा इसके माता पिता को उसकी यानी कि ट्यूशन फीस जो है वापस करने के साथ शुरू होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सुसु पूरी तरह से स्पष्ट है और उसके पिता हमेशा उसे अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए कहते हैं और कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन वह जो है यानी कि गरबा और साथ ही अकेडमी खोलने के अपने सपने के साथ जो है यानी कि अटका हुआ है। कहानी फिर लंदन में स्थानांतरित हो जाती है जहां मिशेल पटेल एक बहुत ही उज्ज्वल कॉलेज छात्रा है। उसके पिता समीर पटेल वहां लॉन्ड्री की चेन के मालिक है और समीर के भाई उनके साथ जो है नत्थू के दिल का दौरा पड़ने का झांसा देकर जो है उनके रिश्तेदार उन्हें जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि वह जो है यानी कि वडोदरा आए और साथ ही भयभीत हुए भारत पहुंचते हैं और वह जो है सच्चाई का पता लगाते हैं साबित ये। उसके बाद जो है सबकी जिद पर वह जो है नवरात्रि के त्यौहार तक जो है 9 दिन वहीं रुकने की योजना बनाते हैं। गरबा में सुसु पहली नज़र में मिशेन को देखती है और प्यार करती है। उसके सबसे अच्छे दोस्त उसकी रिश्तेदार यानी कि खुशबू से उसकी जानकारी खो देता है लेता है। उसके बाद अपने गरबा और साथ ही गायक और कपड़ों की दुकान के मालिक चाचा रसिक देसाई की सलाह से उन्होंने मिशेल को आकर्षित करने की योजना बनाई और योजना के अनुसार गरबा करते
गरबा करते समय सुसु उनके साथ जो है मिशन के आसपास रहती है और वह गलती से उसकी आंख पर उनके साथ जो है डांडिया मार देती है। वह चोट का बहाना करता है, वह उसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाती है। सुसु ऐसा व्यवहार करता है मानो वह बुरी तरह से घायल हो गया हो। वह मिशन के साथ समय बिताते हैं और वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खुशबू उन्हें एक साथ देखती है और सुसु से कहती है कि वह मिशन को सच्चाई वह जो है मिशेल को सच्चाई बता दे, और सुसु डर जाती है और खुद जो है मिशेल को सच्चाई बता देती है। मिशेल का कहना है कि वह जो है पहले से ही उनके साथ जो है समझ गई थी और चोट नकली थी क्योंकि उसने ना समझी का बहाना बनाया था और अपने माथे के गलत हिस्से पर यानी कि पट्टी बांध दी थी। साथ ही पट्टी को सिर्फ एक दिन के लिए रखा और फिर जो है लगाना भूल जाता है। साथ ही मिशेल उसे अपनी मां के एनजीओ में ले जाती है जो कि महिलाओं को रोजगार देता था। जब मिशेल 10 साल की थी तब उनकी मृत्यु के बाद यह बंद हो गया था। इससे पहले जब मिशेल 4 साल की थी और साथ ही सैम अपनी माँ के सपनों का समर्थन करने के लिए पैसे कमाने के लिए लंदन गया था लेकिन अपने व्यवसाय और साथ ही अवरजन मुद्दों के कारण जो है वापस नहीं आ सका। उसकी मां अपने पिता की प्रतीक्षा में मर गई और मिशेल ने एनजीओ को फिर से जो है खोलने के अपने सपने का खुलासा किया। वह अपना वास्तविक नाम जो है मनीषा भी बताती है जिसे जो है सैम ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद लंदन जाने के बाद बदल दिया था और सुसु ने उनके साथ फैसला किया कि वह उसे मनीषा नाम से बुलाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। जल्द ही सैम को उसकी दोस्त खुशबू से मिशेल और सुसु के बारे में पता चल जाता है। वह साथी सुश्रुत को और साथी फेरिस वहील पर बुलाते हैं और कहते हैं कि उनमें से अंतर है और साथी पहिए के ऊपर और उनके साथ जो है नीचे के समान वह जो है उसे मिशेल से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उनकी स्थिति और वर्ग के बीच जो है बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यह भी झूठ बोलता है कि वह क्रिस के साथ रिश्ते में है और मिशेल को एक ईमेल प्राप्त होता है कि उसे लंदन के शीर्ष यानी कि बिजनेस स्कूल में प्रवेश मिल गया है। वह बहुत खुश होती है और सुसु और उसके दोस्त के लिए पिज्ज़ा पार्टी करती है। खुशी से वह बताती है कि कॉलेज का वेटेड पैकेज यानी कि स्नातक होने के बाद 85,000 पाउंड और साथ ही 75 लाख रुपए हो जाते हैं। सुसु मानती है कि वह दिखावा कर रही है और क्रिस के साथ उसे यानी कि धोखा भी दे रही है। वह रेस्टोरेंट में उसका बुरी तरह से अपमान करता है और वह कोई भी जवाब नहीं देती है और रेस्टोरेंट से चली जाती है। बाद में सुसु के दोस्तों ने रसिक को घटना की जानकारी दी और रसिक के कहने पर सुसु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफ़ी मांगना चाहती है। जब मिशेल वापस लंदन जा रहा होता है तो सुसु और उसके दोस्त उसे जो है रोकने के लिए वडोदरा से अहमदाबाद और साथ ही हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते में उनकी एक्टिवा का एक्सीडेंट हो जाता है और वह उन तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं। 10 महीने बीत जाते हैं। सुसु अभी भी मिशेल को याद करती है और लंदन जाने के रास्ते तलाश करती है अंत में उसे एक मौका मिलता है जब रसिक के गरबा दल को लंदन में प्रदर्शन करने का अनुबंध मिलता है। वह अपने वीजा इंटरव्यू में गरबा करके अधिकारी को खुश करती है और वीजा प्राप्त करता है और लंदन पहुंच जाता है और मिशेल को उनके साथ जो है खोजते समय वह याद करता है और शेल्टर होम जाता है जहाँ मिशेल हर यानी कि रविवार को और स्वयं सेवा करती है। वह उससे मिलता है और माफ़ी मांगता है। मिशेल ने अपना नंबर साझा किया और उससे मिलने का वादा किया। दोस्तों आगे की कहानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों लव यात्री मूवी की कहानी एक बेहतरीन कहानी थी लेकिन ये फिल्म थोड़ा भी नहीं चल पाया और मूवी अपने बजट को भी रिकवर
कवर नहीं कर पाया था। इस फिल्म को अच्छे रिव्यू रेटिंग मिलने के बाद भी मूवी जो है काफ़ी कम कमाई की हुई है। और इस फिल्म को अगर आप लोग यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यूट्यूब पर इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम इस मूवी के रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। अगले दिन वह मिशेल और उसके दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और क्रिस से मिलते हैं और उसे अपना प्रेमी मानते हैं। जब मिशेल क्रिस से बात करती है तो उसे जलन होती है और उसे जो है यानी कि बुरा, उसे बहुत बुरा लगता है और सुसु का दिल टूट गया है। एक पब में जाता है जहां रसिक उसे यह कहकर प्रेरित करती है कि भारतीय फिल्मों से प्यार के बारे में सीखते हैं। वह उसे यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में बताता है और मिशेल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहता है। अगले दिन वह लंदन को मिशेल और उसके दोस्तों के साथ देखता है और सैम उसे देखता है। फिर जो है टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज पर सुसु अपने प्यार का इजहार करती है और उससे बात करती है कि क्रिस उसे अपना प्रेमी मानता है। वह अपने दोस्तों को बुलाती है और सिखाता है कि उसका दोस्त यानी कि नगेंद्र नकारात्मक और साथी पाठक और उनके साथ जो है खुशबू एक युगल बन गए हैं और वह उसे जो है मिशेल से दोबारा बात करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि मिशेल ने उसे सीधे क्रिस के बारे में कभी नहीं बताया था। और सैम फिर से सुसु से मिलता है और उन्हें उनके साथ जो है फेरिश वही लंदन आई और दिखाकर जो है उनके बीच की स्थिति के अंदर के बारे में याद दिलाता है। सुसु को यह पता चलता है कि सैम ने क्रिस के बारे में उसका साथी ब्रेन वॉश किया था और उसका सामना करता है। सुसु को फ्रेम करने के लिए सैम अपनी कार की खिड़की खोल देता है, कार की खिड़की तोड़ता है और सुसु का हाथ अपने कॉलर पर रखता है और पुलिस आती है और उनके साथ जो है यानी कि सुसूत्र को गिरफ्तार कर लेती है और गुजराती पुलिस अधिकारी उनके साथ जो है भवेश और उनके साथ जिग्नेश ने उसकी कहानी सुनने के बाद उसे मुक्त कर दिया। और जबकि हर कोई सुसु की तलाश कर रहा होता है और बिशेन रसिक से मिलती है और अंत में उसे जो है पता चलता है कि सैम ने क्रिस के बारे में सुसु से झूठ बोला था। वह सैम को इसके बारे में और उसके प्यार और उनके साथ में एनजीओ और साथ ही सपनों के बारे में बताती है। वह सैम से कहती है कि उसने हमेशा अपनी पसंद उस पर जो है यानी कि थोपी है, लेकिन वह सुसु के साथ रहना चाहती है और वह भाग जाती है जहां सुसु रसिक और उनके साथ जो है गरबा पार्टी के साथ जो इंतज़ार कर रहे होते हैं। वह सुसु को ये बताती है कि क्रिस यानी कि समलैंगिक है और उसका प्रेमी नहीं है। सैम को आखिरकार अपनी शादी के लिए राजी होना पड़ा जब जिग्नेश और उनके साथ जो है भावेश ने उसे जो है धमकी दे दी और उनके पास कार की खिड़कियां तोड़ने की साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और अगर वह शादी के लिए सहमत नहीं होते हैं तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अंत में वह भारत लौट आते हैं और बिशेन अपनी मां के एनजीओ को फिर से जो है खोलने के अपने सपने को पूरा करती हैं और सुसु अपनी यानी कि गरबा एकेडमी खोलती है। और अंतिम यानी कि बयान से कहा गया है कि वह हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सलमान खान सर की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है लव यात्री और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा और फिल्म पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जिनका नाम है सलमान खान। सलमान खान सर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं और इनके मूवीज़ के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया है। तो इनके कंपनी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और बताएंगे इनकी कंपनी अब तक जो है कितनी फिल्म बना चुकी है और इनका कंपनी जो कितने फ़ायदे में चल रहा है। दोस्तों, सलमान खान अब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं जो आप लोग को पता है और इस फिल्म को यशराज फिल्म के बैनर के तहत भी बनाया गया था और इस फिल्म का बजट था 24
करोड़ और मूवी ने सिर्फ 18.14 करोड़ का ही इनकम किया हुआ। इस हिसाब से मूवी ने काफ़ी कम पैसे कमाए हैं। 6 करोड़ का नुकसान हुआ था इस फिल्म को बनाने के बाद, क्योंकि मूवी जो है उतनी कमाई नहीं की जितनी की इस फिल्म को कमाई करना था। फिल्म की कहानी अच्छी थी, दमदार थी कहानी, फिर भी लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इस फिल्म में नए एक्टर्स हैं और नए एक्टर को आप लोगों को पता है स्ट्रगलिंग समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर भी जो है उनको यानी कि चांस अच्छा नहीं मिलता है और अच्छी सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों सलमान खान से पहले हम बात करेंगे रोनित रॉय सर के बारे में। इन्होंने इस फिल्म में काम किया है, राम कपूर सर ने इस फिल्म में काम किया है, प्रतीक गांधी ने इस फिल्म में काम किया है, अमित भट्ट ने इस फिल्म में काम किए हैं। आयुष शर्मा के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि इनका ये दूसरा फिल्म है। और वरीना हुसैन भी इस वीडियो में इस फिल्म में न्यू कमर है, तो इनके बारे में भी आपको ज़्यादा जानने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप जो है यानी कि राम कपूर के बारे में जान सकते हैं और उनके साथ रोनित रॉय के बारे में। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि रोनित रॉय ने 1990 के दशक में काफ़ी सारे फिल्मों में काम किए थे, लेकिन इनका मूवी जो है ज़्यादा हिट नहीं हुआ और ये जो है बॉलीवुड से काफ़ी दूर चले गए और टीवी सीरियल में काम करने लग गए। रोनित रॉय ने कई सारे फिल्मों में काम किए, जानते नाम आप लोगों को पता है, जब 1990 के दशक में जानते नाम फिल्म रिलीज हुआ था उस दशक में इन्होंने काम किया था और ये मूवी भी अच्छी तरह से सफल नहीं हुई, इसके वजह से टीवी शो में काम करने लगे। हम इस वीडियो में बताएंगे रोनित रॉय अब क्या करते हैं और इनका बायोग्राफी क्या है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड ये है रोनित रॉय, इनका जन्म के बारे में हम बातें कर तो 11 अक्टूबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन और फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। रोनित रॉय ने अपने करियर में एक फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, 2 स्क्रीन अवार्ड, 5 IT और साथ ही 5 ITA अवार्ड और 6 इंडियन टेलीविजन अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित कर चुके हैं। रोनित रॉय को बालाजी टेली फिल्म्स के एक फोन आया कि वह उन्हें जो है टेलीविजन धारावाहिक कमल में एक हिस्सा देने की पेशकश करे और किसी भी आकर्षक फिल्म के प्रस्ताव की कमी के कारण उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कमल के शुरू होने से पहले ही बालाजी टेली फिल्म ने रोनित को उनके साथ जो है कसौती जिंदगी के लिए उनके साथ जो है ऋषभ बजाज एक माध्यम आयु वर्ग के बिजनेस टाइकून के रूप में पेश किया और इसने उन्हें जो है बालाजी टेली फिल्म के क्योंकि सास कभी बहू थी उसमें अमर और साथ ही अफ उनके साथ जो है उपाध्यक्ष की जगह साथ ही मिहिर बिरान के रूप में इनको उतारा गया था। 2009 से 2011 तक उन्होंने NDTV अमेजिंग की बंदिनी में साथ ही जो है यानी कि धर्मराज की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें एक कच्चे और साथ ही निर्दयी हीरा व्यापारी के आश्चर्यजनक और साथ ही चित्रण के लिए प्रशंसा दिलाई जो कि कभी उनके साथ जो है पराजित नहीं हुआ था। उन्होंने 2007 में एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा और 2008 में एक अन्य शो यह है जलवा में एक यानी कि प्रतियोगी के रूप में भाग लिया था और उन्होंने 2010 में किचन और साथ ही चैंपियंस की मेजबानी की जो कि कलर्स टीवी पर आता था और अदालत के 400 एपिसोड समारोह में रोनित रॉय ने काम किया है। 2010 में उन्होंने सोनी टीवी के लोकप्रिय कोर्ट रूम ड्रामा शो अदालत में KD पाठक के किरदार को निभाया है, एक यानी कि तेज और साथ ही आदित्य वकील जो कि केवल सच्चाई के लिए लड़ता है। उन्होंने 2014 में बालाजी टेली फिल्म के इतना कोरोना मुझे प्यार के साथ यानी कि डॉक्टर नचिकेत खन्ना उर्फ नील के साथ जो है पल्लवी और साथ ही कुलकर्णी के साथ जो है नाटक शैली में वापसी की थी। 2016 में उन्होंने अदालत सीजन 2 में अभिनय किया जहां उन्होंने पिछले सीजन से अपने चरित्र को दोहराया और फिल्म करियर के बारे में यहां से हम बात करते हैं। रोनित रॉय ने हिंदी फिल्म उद्योग में जानते नाम जैसी फिल्मों में काम किया है, जिसे 1992 में रिलीज किया गया था। 1992 से अपनी शुरुआत की थी जो कि एक यानी कि व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। उन्होंने आदित्य पंचोली और किशोरी यानी कि सहने के साथ बम ब्लास्ट सन 1993 में अभिनय किया था जो कि एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और टीवी पर अपनी सफलता के बाद रोनित रॉय ने सहायक भूमिकाओं और साथ ही अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। 2010 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म उड़ान में अभिनय किया, उनके काम की बहुत प्रशंसा हुई थी और उन्हें कई पुरस्कार मिले।
फिल्म कैंपेनियन धारा रोनीत रॉय के प्रदर्शन को दशक के यानी कि 100 महानतम प्रदर्शन की सूची में स्थान दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अगर आप लोग को ये मूवी पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रोनीत रॉय की रियल लाइफ को और अभी हम बातें कर रहे हैं लव यात्री फिल्म के बारे में। लव यात्री फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था। ये मूवी एक अच्छी कहानी के साथ ये मूवी फ्लॉप हो गई थी क्योंकि इस फिल्म की कहानी जो है एक अलग थी और इस मूवी के नाम को भी चेंज किया गया था क्योंकि इस फिल्म का पहला नाम जो है यानी कि लव रात्रि नहीं था क्योंकि नौ रात्रि इस फिल्म का नाम रखा गया था जिसकी वजह से इस फिल्म का नाम जो है चेंज किया गया था। 2013 में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ और साथ ही उनके साथ जो है बॉस में खुद और साथ ही प्रति पक्षी की भूमिका निभाई थी। 2014 में वह दो राज्यों में दिखाई दिए थे जिसमें जो है उनके प्रदर्शन को बहुत सराहना मिली थी। अब 2017 में रोनीत रॉय ने उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ थ्रिलर फिल्म काबिल में एक प्रति पक्षी की भूमिका निभाते हुए भी स्क्रीन साझा की है। उसी वर्ष उन्होंने NTR जूनियर अभिनीत जय लव कुश के साथ तेलुगु में अपनी शुरुआत की जहां उन्होंने मुख्य प्रतिपक्षी सरकार की भूमिका निभाई थी। वह मशीन 2017 और लखनऊ सेंटर 2017 और लव यात्री फिल्म 2018 जैसी फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं। रोनीत रॉय अगली बार पूरी जगन्नाथ निर्देशित रोमांटिक स्पोटर फिल्म लीगर में दिखाई देंगे। इसमें विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे राम्य कृष्णा और उनके साथ जो है यानी कि मक रंद देश पांडे भी इस फिल्म में होंगे और उनके साथ डिजिटल करियर संपादित करें। अब 2018 में रोनीत रॉय ने मोना सिंह और साथ ही गुरदीप कोहलील के साथ जो है ऑल्ट बालाजी वेब सीरीज कहने को उनके साथ जो है हम सफर है में अपना डिजिटल डेब्यू ये करेंगे। अब 2019 में उन्होंने एक भारतीय अपराध थ्रिलर वेब श्रृंखला साथ ही जो है बंधकों में अभिनय किया, साथ ही व्यापार उद्यम संपादित करे। रोनीत रॉय ऐसे साथ ही जो है यानी कि सिक्योरिट एंड और साथ ही प्रो उनके साथ जो है प्रोटेक्शन एजेंसी एसएस कार्डी और साथ ही सिक्योरिटी सर्विसेज और साथ ही LLP के मालिक है। यह वर्तमान में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं को पूरा करता है। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आयुक्त यानी कि ललित मोदी और उनके बेटे रुचिर मोदी को भी लगान दिल चाहता है। यादें ना तुम जानो ना हम साथिया और साथी अरमान जैसी कुछ फिल्म परियोजनाओं में इस और साथी सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन ने भी अपनी उनके साथ जो सेवाएँ दी हुई है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों लव यात्री फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी के स्टार कास्ट और इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। अब हम बातें करेंगे प्रतीक गांधी के बारे में। इन्होंने लव यात्री फिल्म में अभिनय किया है और इन्होंने अब तक कितने बॉलीवुड डेब्यू किए हैं इनके बारे में अब हम करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू और मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट यहाँ पे बताया जाता है। मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ और मूवीज़ के बारे में अनसुनी बातों को बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि मूवी को अपलोड करने का हमें अनुमति नहीं मिला हुआ है। प्रतीक गांधी की जन्म 29 अप्रैल 1980 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता है। वह मुख्य रूप से गुजराती थिएटर और सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2020 में सोनी लिव की जूनी ड्रामा वेब सीरीज एस्केप 1992 में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय ध्यान और साथ ही व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 2021 में गांधी ने साथ ही भव्य के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। गांधी का जन्म सूरत में माता पिता के यहाँ हुआ था जो कि शिक्षक थे और उन्होंने साथ ही सूरत के बी डी देसाई और साथ ही
बड़ी वाला उनके साथ जो है मुल्का और साथी भवन हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने सूरत में अध्ययन किया था जहां वह जो है थिएटर कला में शामिल थे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से साथी औद्योगिक और साथी इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उनके साथ जो है दिन में रिलायंस और साथी इंडस्ट्रीज में एक इंजीनियरिंग के रूप में काम करना शुरू किया था और शाम को थिएटर करना शुरू किया। उन्होंने साथी जो है सतारा पुणे में राष्ट्रीय उत्पादक का साथी परिषद के साथ काम किया था और बाद में मुंबई में एक यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम के लिए भी इन्होंने काम किया था। गांधी को फिरोज भगत यानी कि अपरा मेहता विप्र रावल के साथ एक गुजराती नाटक का पार के काम उनको जो है मिला था और ये काम करने उनके साथ जो अवसर मिला जो कि थोड़े समय में खुलने वाला था। यह नाटक और व्यावसायिक रूप से सफल रहा। उन्होंने गुजराती थिएटर के एक और दिग्गज यानी कि मनोज शाह के साथ एक भूमिका निभाने के लिए उनको उतारा गया था। उन्होंने गुजराती फिल्म बे यार 2014 में एक भूमिका मिली थी जो कि व्यावसायिक और गंभीर रूप से सफल रही। उन्होंने कई हिट नाटकों जैसे मेरे पिया गए रंगून हूँ और साथ ही चंद्रकांत और बक्सी के साथ साथ जो है उनके साथ जो है हमें बड़ा साथ है तो दुनिया लागे मट्ठे के साथ जो है थिएटर में काम करना जारी रखा था जिसमें उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई थी। उन्हें जो है अपने नाटक मोहन मसाला के साथ जो है उनके साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। एक ही दिन में तीन भाषाओं अंग्रेजी हिंदी और गुजराती में एक साथ जो है यानी कि मोनोलॉग का प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने अपनी अगली फिल्म गलत साइड राजू 2016 में मुख्य भूमिका निभाई थी जो कि व्यावसायिक और गंभीर रूप से सफल साबित हुई थी। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ यानी गुजराती फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने 2020 से लेकर सोनी लीव और साथ ही उनके साथ जो है बड़ा बायोग्राफिकल ड्रामा वेब सीरीज उनके साथ जो स्कैम 1992 में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और व्यापक आलोचना तो प्रशंसा प्राप्त की। श्रृंखला की सफलता ने भारत में वित्तीय साथ जो यानी कि उनके साथ जो सशक्तकार हासिल करने की इच्छा को भी जन्म दिया था। 2021 में उन्होंने गुजराती ड्रामा वेब सीरीज साथी जोहन की विठल टीडी में मुख्य भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी और उनके साथ जो यानी कि सकारात्मक समीक्षा मिली थी। 2021 की हिंदी फिल्म उनके साथ जो बॉबी में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी और साथ ही बतौर लीड यह उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म को साथ ही मिश्रित समीक्षाएँ मिली। उनकी आगामी हिंदी फिल्म साथी अतिथि उनके साथ जो भूतो और साथी भाव पोस्ट प्रोडक्शन के अधीन है। उन्होंने साथी पुल की धारा लिखित और निर्देशित यानी कि डेढ़ बीघा जमीन का फिल्मांकन भी इन्होंने शुरू किया था। फ्रेंड इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और अभी इस वीडियो में हम प्रतीक गांधी सर के बारे में इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड अगर आप इनके फैंस हैं इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस फिल्म के जितने भी गाने हैं तनिष्क बागची ने तैयार किए हैं और इनके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तनिष्क बागची जो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा इनके बहुत बड़े कंपनी है और ये जो है फिल्मों में गाने को तैयार करते हैं जैसे कि नदीम शरवन एक दशक में गाने को तैयार कर रहे थे सेम इनका भी वही काम है और जितने भी न्यू गाने हैं इनके तरफ से बनाए जाते हैं इनके बैनर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस फिल्म के जितने भी गाने रिकॉर्ड किए हैं तनिष्क बागची ने ही इसके गाने को रिकॉर्ड किए तो इनके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ से हम इनके बारे में हम जानते हैं। तनिष्क बागची का जन्म सैडिलिया गोत्र बंगाली परिवार के एक ब्रेंद्र ब्राह्म परिवार में इनका जन्म हुआ था। मूल रूप से अवसाथी कोलकाता पश्चिमी बंगाल के रहने वाले बागची का जन्म जो है संगीतकार अवसाथी नंद कुमार बागची और उनके साथ जो है सर मिष्ठा दास के घर में इनका जन्म हुआ था।
उन्होंने फ्रैंक एंथोनी और पब्लिक स्कूल और स्कॉटिश चर्च उनके साथ कॉलेज जीएस स्कूल कोलकाता में अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। बागची ने बंगाली में दो एल्बम कोलकाता में सिटी लाइफ पश्चिमी बंगाल 2007 और बांग्लादेश में चखेर अर्ले 2010 जारी किए हैं। बागची ने बाद में आदित्य देव के साथ जो है मेहरबानी गीत में एक संगीत निर्माता के रूप में काम किया था, जिसे 2014 की फिल्म द शौकीन्स के लिए आर्को और साथ ही प्रणव मुखर्जी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। और लिखा गया था कि बागची ने गीतकार वायु और साथ ही श्रीवास्तव के साथ एकल ऊपर ऊपर रेन डे के लिए सहयोग किया गया था। अनुराग कश्यप ने इसे जो है यानी कि पसंद किया और दोनों को रवि अधिकारी नाम के एक बेटिया के पास ले जाया गया था, जो 2015 की फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न के निर्देशक आनंद एल राय के करीबी थी रिश्तेदार थे। इसके बाद दोनों ने ब्रानो और गाने से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। फिल्मों के लिए रचना करने से पहले उन्होंने थपकी प्यार की आदि जैसे टीवी शो के लिए संगीत का निर्माण किया था और उनके साथ व्यवस्था की थी। बागची ने किस को प्यार करो के गीत जो है यानी कि समंदर में एक एकल संगीतकार के रूप में शुरुआत की थी। 2017 में मशीन के लिए बागची का पहला सिंगल आउटिंग आया था। एल्बम में एक डांस नंबर के अतिथि संगीतकार के रूप में डॉक्टर जी उस थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन चीज बड़ी जैसे गाने ने यूट्यूब पर मिलियन व्यूज को पार किया था। उसी वर्ष उन्होंने वायु के साथ जुए शुभ मंगल और साथ ही सावधान फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम की रचना भी की थी। अब बागची का पहला रीमेक गाना जो है हम्मा हम्मा 2017 की फिल्म ओके जानू से शुरुआत में इसे जो है नापसंद किया गया था, लेकिन बाद में इसे यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने तम्मा तम्मा मेरे रस के कमर चीज बड़ी आदि जैसे और भी यानी कि क्लासिक गाने फिर से जो है बनाए गए थे। इसके बाद उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड के गाने बारिश के लिए यानी कि संग ऑफ द ईयर के लिए जी सिनेमा अवार्ड और फिल्म यानी कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए 2018 की ईफा अवार्ड जीता था। तनिष्क बायु के गाने का उनका गाने कहने को कई यानी कि साथी नॉमिनेशन मिले थे और उनमें से एक सिंगर यानी कि शाशा तिरुपति ने भी इसमें जीत हासिल की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अभी हम बातें करें तनिष्क बागची सर के बारे में। इन्होंने इस फिल्म के जितने भी गाने हैं इनके बैनर के द्वारा बनाए गए हैं और इसमें जितने भी गाने हैं इनके द्वारा रिलीज किए गए हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आप तनिष्क बागची के गाने को पसंद करते हैं, इनके गाने आप लोग को अच्छे लगते हैं, तो आप उन्हें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 2018 में बागची ने डीजे चेतोस और साथ ही लिजो जॉर्ज और उनके साथ जो है जॉम एट के साथ फिल्म लव यात्री के साउंडट्रैक एल्बम की रचना की। बागची ने अपना तेलुगु डेब्यू फिल्म लवर के गाने और साथ ही अद्भुतम से किया। उन्होंने वायु के साथ नए रेड और साथ ही एफएम जिंगल की रचना की, जिसमें जो है रजनी गंधा शेखावत की आवाज़ शामिल है और गीत वायुधारा जो है लिखे गए थे। उन्होंने उसी वर्ष तो गाने भी बनाए थे और साथ ही सत्यमेव जयते फिल्म में दिलबर, जिसे जो है यूट्यूब पर रिलीज होने के पहले 24 घंटों में ही 20 मिलियन व्यूज मिले, और सिम्बा के लिए आंख मारे जो 2018 में 19 नए साल की पार्टियों का पार्टी में एंथम बनाया गया था। आंख मारे गाने ने 2021 में 1 बिलियन व्यूज को पार किया था और अन्य में शानू एक पल यानी कि चैन गली गली नाम है मेरा आदि शामिल है। उन्होंने नेहा कक्कड़ के अतिरिक्त यानी कि गायन के साथ हेट स्टोरी 4 में साथ ही जो है हिमेश रेशमिया के हिट ट्रैक यानी कि आशिक बनाया आपने के मनोरंजन में उनके साथ जो है हिमेश रेशमिया के साथ भी सहयोग किया था। उन्होंने इसके दो विषयों में से एक के साथ जो है सिम्बा के साउंडट्रैक एल्बम की भी रचना की थी। अन्य विषय एक यानी कि थमस धारा रचित था और एल्बम में एक गीत मेरा वाला डांस डीजे यानी कि चेतस और साथ लिजो जॉर्ज धारा रचित किया गया था। 2019 में बागची ने 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2019 की फिल्म जो है केसरी से उनके गीत हुए में माही उनके जो है माही के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में नामांकित किया
किया गया था। बाद में उन्होंने एक गायक और साथ ही गीतकार के रूप में स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल और साथ ही VYL मूल के साथ जो अपना एकल खुद से जो है ज़्यादा यानी कि जारी किया था। धोनी और साथी भानुशाली और निखिल डिसूजा द्वारा गाया गया था। उनका सिंगल वास्ते 2019 में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला हिंदी ट्रैक बन गया था और इसी गाने ने 2020 में 1 बिलियन व्यूज को पार कर लिया था। और इसके वर्धन वंचित के बारे में बातें करते उन्होंने नेटफ्लिक्स ड्रामा और साथ ही ड्राइविंग के लिए भी उनके साथ जो है मखना गीत भी बनाया था। और उसी वर्ष उन्होंने साहो तमिल में अपने गीत और साथ ही कदल साइको के माध्यम से तमिल में अपनी शुरुआत की और इसी गाने को उन्होंने तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी उनके साथ कंपोज किया था। उन्होंने गुड न्यूज़ के थीम गीत के लिए भी कश्मीर के साथ जो है सहयोग किया था और उसी एल्बम में उन्होंने 7 अन्य गीतों में से 4 की रचना भी की थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और अभी हम बातें करें तनिष्क बागची सर के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग तनिष्क बागची सर के गाने को पसंद करते हैं और इनके फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इनकी फ़िल्म को और इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। 2020 में तनिष्क वायु ने पेप्सी एंथम और साथ ही एस वैक्स से जो है सोलो और होली गीत मेरे अंगने में बनाया गया था। दोनों ने फिल्म शुभ मंगल ज्यादा और साथ ही सावधान का साउंडट्रैक एल्बम भी बनाया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में वायु को उसी फिल्म के एक गीत मेरे लिए तुम काफ़ी हो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में नामांकित किया गया था। बागची ने स्ट्रीट डांसर 3D में 3 गाने रिकॉर्डिंग किए थे रिक्रिएट किए थे और उन्होंने कुली नंबर 1 के एल्बम में 6 में से 3 गाने तैयार किए हैं। उन्होंने साथ ही सूर्यवंशी के लिए टिप टिप वर्षा पानी को भी फिर से बनाया है जिसे कोविड-19 महामारी के कारण जो है यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन ये मूवी अब रिलीज हो चुका है। 2021 में उन्होंने फिल्म फेयर एंड और साथ ही यूनाइटेड गॉडस के लिए आधिकारिक गाना की रचना और साथ ही उनके साथ जो है निर्माण किया है और एन कोर उनके साथ जो है गेम से धारा विकसित किए गए एक गेम है। यह उनके साथ जो है गान अभिनेता निर्माता अक्षय कुमार द्वारा जो है अक्षय कुमार धारा 3 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। बागची ने जुबिन और साथ ही नौटियाल की आवाज़ में एक यानी कि गीत लुट गए भी बनाया जिसके वीडियो में बालाजी उनके साथ जो है अभिनेता इमरान हाशमी ने इस गाने को गाया था और इमरान हाशमी उनके साथ जो अभिनय किए थे। गाना चार्ट बास्टर साबित हुआ था और यह सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे तेज जो है चला था। 100 मिलियन से अधिक के व्यूज पार किए थे। स्ट्रीम वाला गाना बन गया था पहला भारतीय गाना जिसके पास जो है उनके साथ जो इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन व्यूज को प्लस कर लिया था और साथ ही 2 मिलियन व्यूज को पार कर लिया था। रील वीडियो दोनों ही उनके साथ जो है बिलबोर्ड और साथ ही ग्लोबल एक सेल में प्रवेश किया था। US और साथ ही चार्टर्स ने जो उनके साथ और मैक्स और साथ ही हॉट 20 टॉप 5 पर जो है पहला स्थान हासिल किया था और ऑडियो सभी लघु वीडियो और साथ ही प्लेटफॉर्म पर जो है ट्रेड कर रहा था। 6 अप्रैल 2021 तक जो है यूट्यूब पर इसे 380 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और 5 मिलियन से अधिक लाइक्स पाए हैं और यह एक लघु वीडियो और साथ ही प्लेटफॉर्म और साथ ही AMX यानी कि ताकत पर जो है 500 मिलियन व्यूज और साथ ही बटोरने वाला सबसे तेज गाना बन गया था। बागची ने फिल्म कोई जाने ना के लिए हर और साथ ही फ्रॉन मौला गीत तैयार किया। इसी गाने में अभिनेता आमिर खान और एली उनके साथ जो औराम के साथ इसी गीत ने बागची और गायक विशाल यानी कि ददलानी के बीच जो है पहले सहयोग को चिन्हित किया था जिन्होंने पहले ओसा की साकी गीत के रीमेक के लिए पूर्व की आलोचना की थी जिसे मूल रूप से विशाल शेखर धारा बनाया गया था। और बागची के दूसरे संगीत वीडियो पटाली उनके साथ जो है पतली कमरिया गाने में संगीतकार और साथ ही गीतकार थे। उन्होंने सुख ए और साथ ही परंपरा ठाकुर और ठाकुर टॉटडॉन के साथ जो है गाना को गाया था। मई 2021 में तनिष्क बागची ने नेटफ्लिक्स फिल्म यानी कि सरदार का ग्रैंड स्वर्ण के एल्बम को माध्यम से जो है अपना उनके साथ जो है दूसरा एकल उनके
साथ जो है आउटिंग जारी किया था। उन्होंने उसी के गीत उनके साथ जो है दिल नहीं तोड़ना के माध्यम से अपनी पार्श्व शुरुआत की, जिसे जो है उन्होंने समय लिखा था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। अब अगली बार तनिष्क बागची का एकल संगीतकार श्याम साइको के रूप में फिल्म किस किसके प्यार करूं का पहला गाना साथी जुबिन और नोट लिया और उनके साथ जो श्रेया घोषाल ने इस गाने को गाया था। तब से बागची और उनके साथ नोटियाल ने अधिक ट्रैक के लिए सहयोग किया है और ओके जानू से हम्मा सनक और साथी मशीन से तेरा जुनून और साथी बसाओ से सोचा है कि इत्तेफाक से रात बाकी लवर से और साथी अद्भुतम और साथी मेट्रोन से उनके साथ जुड़े सर्वर ने लगे लव यात्री मूवी से यानी कि आँख लट जावे गाने और पागल पंती से दिल यानी कि मर जावा से उनके साथ जो हैया हो लुट गए और साथ ही अभिनेत्री जरा खान ने जो है उनके साथ जो है तनिष्क बागची के साथ एक गायक के रूप में शुरुआत की थी। 2019 का सिंगल खुद से ज़्यादा जिसमें जो है दोनों को दिखाया गया था एक गायक के रूप में खान का पहला गाना था और बाद में खान ने एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अनुराधा पौडवाल के गीत का उनके साथ जो है यानी कि गीत किया करते थे और साथ ही सजना के नए और साथ ही संस्करण को गाकर जो है 2020 की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान बागची धारा जो है फिर से जो है बनाया गया था। दोनों ने उनके साथ जो है यानी कि जुगन नामक एक गाना मूल गीत के लिए भी गाए थे और फिर जो है उनके साथ सहयोग किया था जिसे जो है खान और यासर देसाई ने गाया था और तनिष्क बागची धारा लिखा गया था और संगीतबद्ध किया गया था। जरा खान ने 2020 की एंथोलॉजी फिल्म और साथ ही अम्पाज में जो है निखिल अडवाणी की लघु फिल्म अपार्टमेंट के लिए बागची की एक रचना नई उनके साथ जो है धूप गीत भी गाई थी। 2021 में दोनों ने फिल्म कोई जाने ना और साथ ही आमिर खान की एली आवारा उनके साथ जो है अबराम के गाने हर फन और साथ ही मौला के लिए सहयोग किया था। क्रमोश बेल और बटन फिल्म और साथ ही सत्यमेव जयते 2 की फिल्मों के लिए लोकप्रिय पंजाबी गाने संख्या और साथ ही लहंगा के संस्करण को फिर से जो है बनाया था। जरा खान ने तनिष्क बागची धारा बनाई गई अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म बेल बटन के टीजर के बैकग्राउंड स्कोर को भी अपनी आवाज दी है। दोनों ने अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह अभिनीत दिल है दीवाना गीत के लिए सहयोग किया था और जिसमें जो है दर्शन रावल की आवाज भी दी गई थी। यह हसन और जहांगीर के इसी नाम के गीत का रिमेक था। उसी अभिनेता की जोड़ी के लिए बागची और खान ने जो है सरदार का पोता का एक गीत दिल नहीं तोड़ा गाया था। बागची ने कई बार जो है गायिका आशीष कौर के साथ काम किया है। संगीतकार गायक की जोड़ी ने अख लट जावे उनके साथ जो है बोलना वे माही और साथ ही चंडीगढ़ में राजा गणपति तू लगदी फिरारी और साथ ही रतन लंबिया आदि जैसी हिट फिल्म दी है और बागची ने गायन भी किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम तनिष्क बागची सर की रियल लाइफ को बता रहे हैं, इन्होंने अब तक कितने गाने को तैयार किए, इन सब चीज़ों के रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं, इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं, इनके गाने को आप सुनना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बागची ने कई गाने के लिए गायन भी खुद किए हैं, साथ ही सहयोग किया है और बधाई हो से बधाइया, तीनू जीरो से हेर यानी कि बदनाम और फ्रेंड, सैया से छम्मा छम्मा, केसरी से सानू और साथ ही कहंडी मिशन मंगल से तोरा यानी कि उर्तू लग दी फिरारी आदि गाने को इन्होंने बनाया। संगीत उद्योग में धोनी और साथी यानी कि भानुशाली के उदय के लिए बागची को श्रेय दिया जाता है। उनके पहले गीतों में से एक यानी कि उनके साथ जुए हम सफ़र जो कि मूल रूप से बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए आखिर उनके साथ जुए यानी कि सचदेवा धारा रचित किया गया था जो कि बागची धारा टी सीरीज धोनी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उनके गीत जैसे यानी कि ले जा रे, कोका वास्ते और आदि यानी कि बागची की रचनाएँ थे और बागची के साथ जो है
काम करने पर उन्होंने कहा कि वह उनके गुरु है और उसने कहा है कि उसने जो है यानी कि उसके साथ जो है मुझे वास्तव में अच्छी तरह से निर्देशित किया है और मेरा करियर ज़्यादातर उन्हीं की वजह से बना है। और बागची ने 2017 से कई बार जो है यानी कि नेहा कक्कड़ के साथ जो है सहयोग किया। यूट्यूब पर 100 मिलियन से अधिक बार देखा गया गीत बनाया गया है और ये सहयोग यानी कि ज़्यादातर पुराने प्रतिष्ठित गीतों जैसे उनके साथ जो आँख मारे दिल भर, ओ साकी साकी, एक तो कम जिंदगानी और आती के उनके साथ जो है मनोरंजन है जिसके लिए दर्शकों धारा भी दोनों की आलोचना की गई थी। उदाहरण वांछित का। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बागची सर के बारे में इस वीडियो में हम बातें कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लव यात्री फिल्म को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज किया गया 2018 में। रोमांटिक 2018 हिंदी मूवी एंड लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा। फिल्म प्रोड्यूसर सलमान खान एंड अंदर फिल्म सलमान खान। फिल्म डायरेक्टेड बाय द डिब्यूट अभिराज के मनीवाला अबराज मिनी वाला। इट इज़ द इंस्पायर्ड बाय द 2006 तेलुगु फिल्म देवदासु। इज़ द मूवी वेरी नाइस एंड वेरी सक्सेसफुल। इज़ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वेरी इज लूजर 18.14 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। द फिल्म हिस्टोरी स्टार्ट विद द सुश्रत सासू पांडे टीचर इन द रिफंडिंग हिज द एंड द ट्यूशन फी टू द हिज द एंड प्रेजेंट हिज द थिंग्स इन सासू इज द कंप्लीटेड द एंड यूनिवर्सिटन हिज द एंड फादर इज ऑलवेज एंटेड ऑफ द एंड आस्किंग हिम टू द प्लान हिज द फ्यूचर हिज द फ्यूचर बॉट हिज द स्टॉक विथ हिज द एंड ड्रीम ऑफ द ओपनिंग द एंड गरबा अकेडमी द स्टोरी द एंड शिफ्ट टू द लंदन एंड वेयर द एंड माइकल पटेल हिज द वेरी एंड ब्राइट कॉलेज ए स्टूडेंट हेयर द फादर एंड समीर पटेल अवंस एंड चैन ऑफ द एंड लॉन्ड्री थ्री थेयर द एंड रिलेटिव फुल थीम बाय द एंड फेकिंग द समीर इज ब्रोदर एंड नथन इज द एंड हार्ट अटैक एज द एंड वांट द टू कम टू एंड भदोदरा एंड ट्रैफिक थी द एंड रिसीव द इंडिया एंड इंडिया एंड फाइंड आउट द इंट्रूड ऑन द एंड एवरी बॉडी इज द इंस्टेंस द एंड प्लान टू द स्टे एंड थेयर फॉर नाइन डेज अंटिल द एंड फेस्टिवल ऑफ द नवरात्रि एट द एंड गर्व सासू सी इज द फेल्स इन लव विद द एंड माइकल एट द फर्स्ट सिगल हिज द एंड बेस्ट फ्रेंड डिग आउट हेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड रिलेटिव द खुशबू विथ हिज द एंड गरबा सिंगर हिज द एंड क्लोथिंग स्टार और ओनर अंकल रसिक देसाई इज द एंड एडवाइस हिज द प्लान टू द एंड जम द एंड मैचली एज पर प्लान विल द परफॉर्मेंस द गरबा सासू स्टे एंड अराउंड द एंड माइकलेस इन मिचेल एंडी एंड एक्सीडेंटली हिज द एंड डेंडिया एंड इजी द ही एंड फेगेस एंड द इंजर सी इज कॉल्ड सी हिज टू द एंड अपोलिक सासू एक्ट हिज द एंड वॉज द एंड डिपू सुसू ही इज द एंड स्पेंड टाइम विद द एंड माइकल एंड बिकॉम गुड एंड फ्रेंड द खुशबू सी द एंड टूगेदर द एंड सीज टू द एंड सुसू थेट सी विल द एंड रिवील द एंड टू द एंड माइकलेस एंड मिचेल सुसू is the end terrified and revealed the end through the himself to the end Michael see is the end already the end understood the injury was the end fake is the end goofed and the end banged the end incorrect side of the is the end for heart also he and keep the end banged just 4 days from the end forgot to the put is the end Michelle take him to hear the end mother is NGO with the end provide woman the employer it is the head shoot down after he heard that Windy and Michelle was the 10 years old the end early when the end Michelle was 4 years old and same went to the London to earn money to the end support her the mother and dreams out the end cloud not come back and due to the his the business and immigration issue heard the end mother dead and
इन वेटिंग फॉर हेयर द नोड एंड मिकल्स एंड रिवलेस हेयर द ड्रीम ऑफ द एंड रियो पेनिंग द एंड एन जी ओ सी अल्सो द एंड रिवर्स हेयर द एंड एक्चुअल नेम द एंड मनीषा विच इज द एंड चेंज वाय द सेम आफ्टर सी द एंड मूव टू द लंदन टू एंड पोस्ट हेयर द मंथ डेट एंड सुसु एंड डिसाइड ही एर विल द कॉल हेयर वाय द एंड नेम इज मनीषा एंड सुन सेम द एंड गेस्ट कनाउ एंड अबाउट द एंड माइकल एंड सुसु फ्रॉम हेयर द एंड फ्रेंड खुशबू हुई इज द एंड कलर द एंड एंड द सु श्रुति एंड फ्राइस विल एंड द एंड सी स्टेट द एंड थ्री इज द एंड डिफरेंस बिटवीन द एंड सिमिलर टू द एंड टॉप एंड बटन ऑफ द एंड विल ही आस्क हिम टू द स्टे अवे फ्रॉम द एंड माइकल्स ही द एंड थ्री इज द एंड हक द डिफरेंस बिटवीन थेयर द स्टार्ट एंड क्लासी अल्सो एंड लाइफ द एंड रिलेशनशिप विद द एंड क्रिस माइकल्स एंड रिसेबेड ईमेल थेड गोट द एंड एडमिशन टू द एंड लंदन स्टॉप द बिजनेस स्कूल सी इज the very happy and toward the end pizza party from Susu and his the end friend out of the end happiness she in informed to pay and package of the clothes after the end graduating the 85,000 pound and India convert to the 75 lakh INR in Susu his the end assumes see the end swing off and also the end chatting and cheating on him with the end Chris hit the end in salute here the end badly at the end the restaurant she drones the end response and give away from the end the restaurant and later Susu is the friend in from the end Rashik about the end incident om Rashik and the insistence Susu and realize hit the end mistake and went to the end Apollo guys with the end Mikler hit the end going back to London Susu and friend try to the end reach the end Ahmedabad in Ahmedabad airport from the end Vadodara to the stop fair but the try and active the end miss the accident on the way and they are the unable to the reach the team 10 months pass by Susu still the end remember the end make clear and try to for away to the go to London and finally he and get the end opportunity win the NSC and Garba trope gets the contract to the perform in London he the pleasure and the officer by doing the end Garba he is the end visa interview and gets the end visa and Rachis London will the end searching from the end Michael he is the end remember and goes the end shelter home where the end Michael and voluntary every Sunday meets here and the end Apollo guides the end Michael and Michael Sri heard the number and the promises to the meet him the end next day his horn out with the end Michael and hear the friend and meet the crosses and assume him to be hear the end boyfriend he gets the end jailbirds and feels bad with the end Michael package to the end Chris Suzu and heartbroken the ghost to be in pop the where Rasik and motivate him to buy the and telling him the end Indian learn about love from the movie he the tells him about Yash Chopra Suraj Bharatiya Amir Khan Shahrukh Khan and Salman Khan and ask to the end declare his the love to the end Michael the next day see London with the end Magler and hear the friend and is spotted by sim to the end tower and bright London the embrace Susu and express Susu express his the love and respect to the about and Chris the and assuming him to be here the and boyfriend he calls his the and friend and learned the friend the and Nagendra and negative the apartheid and Khushbu Heba and become couple the also the and motivate him to the speak to and Michael again the and Michael his the never told him the about and cross and directly same meet Susu and again here the and remind to the about the and started the end gap between the end swing here the end fry the wheel London easy Susu and realized at the end Sam had the end Bruin heard him about the end crush the confirmation him to the end frame Susu same the end breaks his the one car his the end window and
पास सुसु एंड हैंड हिट द एनकाउंट द पुलिस कॉम एंड द एंड अरेस्टेड द एंसुर एंड द सुसुत्री एंड द अशु सुरती एंड गुजराती पुलिस ऑफिसर द एंड वीबीएस एंड द एंड जगनेस ही से द हेम फ्री आफ्टर द एंड हियरिंग हिज द स्टोरी विल द एंड एवरीबॉडी हिज द सर्चिंग फॉर द सुसु एंड माइकल मिस द एंड रस्टिक एंड फाइनली गेस कैन आउट हेट द सेम लेट टू द सुसु अबाउट एंड क्रश द एंड कॉन्फ्रोट सेम एंड अबाउट एंड हेयर द लव एंड एनजीओ डीम सी टेल्स सैम एंड थेडी हेस एंड ऑलवेज इम्पोजेड द एंड चॉइस इन हेयर अबाउट द सी वांट टू बी एंड विथ सुसु सी द एंड रन डाउन हेयर एंड सुसु इज वेटिंग विद द रसिक एंड गर्भा पार्टी सी द इन फ्रॉम सुसु थेट द एंड क्रिस द एंड होम सेक्सुअल एंड इन होम सेक्सुअल नॉट हेयर द एंड बॉयफ्रेंड एंड सम फाइनली एंड द एंड एग्री टू एंड थेट द मैरिज विन द एंड जगनीश एंड भवानी द टेटली एंड द मिस दे एंड हेबर द एनसीसी टीवी रिकॉर्डिंग फॉर हिम द एंड ब्रेकिंग द कार विंडोज हेयर थी विल द अरेस्ट हिम ही द डोस नॉट एग्री टू द मैरिज इन द एंड और रिटर्न टू इंडिया एंड माइकल द एंड फुलफिल्स हेयर द एंड ड्रीम टू एंड रिपोर्ट हेयर द मदर एंड जियो एंड सुसु एंड ओपन हिज ओवन द एंड गरबा एंड द अकेडमी द एंड लास्ट द स्टेटमेंट स्टार्ट द एंड लिव द हैप्पी इज द एवरी डे इन द आफ्टर। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लव यात्री फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 5 अक्टूबर 2018 को और इस वीडियो में हम इस मूवी की सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इस फिल्म को 24 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 18.14 करोड़ का इनकम किया है। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं अभिराज के मीना वाला सर और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सलमान खान और इस फिल्म में मुख्य स्टार का से आयुष शर्मा वरीना हुसैन एंड राम कपूर रोनीत रॉय प्रतीक गांधी एंड अमित भट्ट ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं और इस फिल्म को 2018 में 5 अक्टूबर को रिलीज किया गया था और इस मूवी को इस वीडियो में हम फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम और भी कुछ अनसुनी बातों को हम जानते हैं। वह उससे कहता है कि वह अपने घर यानी कि वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इसी प्रक्रिया के लिए पैसे नहीं है। वह जो है यानी कि भावुक हो जाती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक दिन जब जो है पूरी डांस स्टूडियो पहुंचता है तो वह देखता है कि पुलिस वाले शहद से पूछताछ कर रहे हैं। शहद ने खुलासा किया है कि जब वह अपने चचेरे भाई की शादी के लिए भारत गया था तो उसकी मुलाकात जो है यानी कि अमरिंदर मेहरोत्रा से हुआ और उसके 3 अन्य दोस्तों से हुई जो शादी में ढोल बजा रहे थे उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। वह शहद से उन्हें लंदन ले जाने का अनुरोध करते हैं इसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके एजेंट के बाद उन्हें अपने दल के एक हिस्से के रूप में एक बार की यात्रा के लिए लंदन ले जाने के लिए 4 मिलियन रुपए की एक बड़ी राशि की पेशकश की। वह यानी कि सहमत हो जाता है इन पैसों को देखकर और इसी तरह उन्हें जो है डांस स्टूडियो खरीदने के लिए पैसे मिले और पूरी किसी को नहीं बताने का यहाँ पर वादा किया है और डांस शो को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है फिल्म के अंदर। दोस्तों फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और फिल्म की कहानी की गहराई में हम जाए तो इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इतनी अच्छी कहानी रखने के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हुई इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। बहुत ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फिल्मों को फ्लॉप घोषित किया गया था क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतने प्रदर्शन नहीं किया जितनी कि इस फिल्म से उम्मीदें की जा रही थी। आपको बता दें ग्राउंड जीरो बैटर रिटर्न इंदर ने सहज को भाग लेने और इसे जीतने के लिए कहा। इनायत ने भाग लेने का फैसला किया ताकि वह पैसे का इस्तेमाल अवैध यानी कि अप्रवासियों की मदद के लिए कर सके और राम उसका जो है समर्थन करते हैं। राम दो गिरोह को मिलते हुए देखते हैं और कहते हैं कि अगर वह एक हो जाए तो वह जो है प्रतियोगिता जीतेंगे लेकिन दोनों ने इसी यानी कि ऑफर को ठुकरा दिया। इन नाइट यानी कि क्लब में अपने डांस से सहज ने रॉयल्स को प्रभावित किया है। वह डी और साथ ही पोडी और उनके साथ जो सुशी रॉयल्स के लिए चुने गए हैं। दोनों गिरोह फिर से रेस्तरा में मिलते हैं। उनका एक तर्क होता है जो राम के नृत्य के साथ जो समाप्त होता है।
जो सहज को अपनी जो यानी कि क्षमता दिखलाता है, अपने जो अहंकार से अंधे हुए सहज ने और सहज यानी कि सहज ने अवसर को ठुकरा दिया। इस मौके को उसने ठुकरा दिया और फोड़ी इनायत के गिरोह की एक लड़की जो है अलीशा के साथ रिश्ते में है। उन्हें यह पता चलता है कि इनायत का गिरोह ग्राउंड जीरो बैटल में भाग ले रहा है ताकि वह उन्हें पुरस्कार राशि प्राप्त कर सके जो कि अवैध यानी कि अप्रवासियों की मदद के लिए 1,00,000 पाउंड है। और वेल्स डांस स्टूडियो में सहज को इसके बारे में बताता है कि सहज जो है पोड़ी को नहीं मानता और उन दोनों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके कारण पोड़ी रॉयल्स छोड़ देता है और वह नियम यानी कि तोड़ने वालों में शामिल होने का फैसला करता है। अब इनायत पोड़ी को टीम में स्वीकार करती है और इस तरह डांसर टीम के अन्य जो यानी कि सदस्य भी खुद को जो है अकेला महसूस करते हैं क्योंकि सहज अब यानी कि अपना सारा समय रॉयल्स के साथ बिताता है। और प्रतियोगिता के पहले दौर को रॉयल्स और साथ ही नियम तोड़ने वाले दोनों जो है आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। जैसे ही सहज डी और साथी उनके साथ सुशी बस में बैठते हैं वह जो है कि अमरिंदर से टकराते हैं। अमरिंदर सहज को बताता है कि जब उसने उन्हें छोड़ दिया तो वह एक यानी कि छात्रावास में चले गए। वहाँ पर सभी अवैध यानी कि अप्रवासी रह रहे थे और पुलिस ने उनका पीछा किया। यह महसूस करते हुए कि एजेंट ने उन्हें बड़ी रकम की मांग करके और उन्हें जो है अवैध रूप से यूके भेजकर जो है कि धोखा दिया था, उन्हें सिख के रूप में पहचान छोड़ने और साथ ही पासपोर्ट ले जाने के लिए मजबूर किया गया। वह और 3 पंजाबी जो है ड्रामर यानी कि बिगर अवैध जो है यानी कि अप्रवासियों में शामिल हो गए। इनायत का गिरोह उनकी मदद के लिए नाच रहा था। वह जो है यानी कि सहेज में मदद मांगते हैं लेकिन वह यह कहते हुए चले जाते हैं कि वह उसे नहीं जानता। दोनों टीम क्वार्टर फाइनल से आगे निकल कर यानी कि सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। बाद में रॉयल्स और साथी जो है सहेज लंदन में चल रहे हैं, वह ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे हैं जहां रॉयल्स के नेता मार्क गलती से अपने जो है इनकी ड्रम तोड़ देते हैं। उन्हें देखने के बाद सहज को अपने जो है कामों का दोषी महसूस होता है और सेमीफाइनल राउंड में सहज यानी कि रॉयल्स छोड़ देते हैं। वह इनायत के गिरोह को राउंड जीतने में मदद करता है, फिर वह रॉयल्स छोड़ देता है और मियाँ का दिल टूट जाता है और दो समूहों में शामिल हो जाता है। इनायत ने इंदर की कहानी से अवगत होने के कारण जो है इसे स्त्री डांसर नाम देने का फैसला किया है। अब एक तरफ स्त्री डांसर की जीत के लिए यहाँ पे कई सारे लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कई प्रार्थनाएं होती हैं और फिर जो है इनायत के परिवार को उसके नृत्य कार्यों के बारे में यह पता चलता है। उन्होंने टीम को चौंकाते हुए उसे नाचने से रोक दिया। सहज और जैन उसके घर जाते हैं और उसके परिवार को उसे जो है नाचने के लिए मना लेते हैं। ग्राउंड जीरो बैटल के अंतिम दौर की तैयारी के दौरान जो है सहज और इनायत के बीच एक रिश्ता पनपता है और रॉयल्स जो है प्रदर्शन करते हैं और भीड़ को विस्मित करते हैं। स्त्री डांसर प्रदर्शन करता है और उनके नृत्य के बीच में रॉयल्स का एक सदस्य संगीत को उधार देता है जो कि मेज़बान उन्हें जो है बताते हैं कि अगर संगीत नहीं है तो वह नृत्य नहीं कर सकते। इसके बाद जो है यानी कि अमरिंदर अपने दोस्तों के साथ अपने ढोल का इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें नाचने के लिए संगीत बनाया जा सके। मार्क को यह पता चलता है कि उसकी टीम के सदस्य ने संगीत बंद कर दिया है और वह इसे यानी कि वापस डालने के लिए कहते हैं क्योंकि वह धोखा नहीं देना चाहता था। और अपने नृत्य के अंत में सहज यानी कि फ्लिप स्टर्न करता है जिससे उसका भाई पूरी तरह से घायल हो गया और अपने भाई और अपने जो है देश को साथी जो है कि गौरवान्वित करते हुए सहज ने रॉयल्स को जो है हराने के लिए स्त्री डांसर बाप किया और प्रतियोगिता जीती। रॉयल्स का सामना भी यानी कि अर्जित किया गया और अंत में सहज और इनायत एक रिश्ता शुरू करते हैं क्योंकि वह जो है कि अप्रवासियों की मदद करना चाहते हैं। और साथ ही क्रेडिट के दौरान के दृश्यों से पता चलता है कि अमरिंदर अपने घर जो है पहुंच गया जबकि बाकी ड्रामर यूके की कानूनी इंसाती गिरावर कानूनी जो है नागरिकता हासिल कर लेते हैं। यह फिल्म यूके में काम कर रहे एक गैर इंसाती सरकारी संगठन SWAT को अपनी प्रेरणा के रूप में अवैध इंसाती अप्रवासियों की सहायता के लिए उद्धृत करती है। दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म की कहानी बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म की जाती है। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद फिल्म भी उतनी अच्छी कमाई नहीं की। चलिए अब बात करते हैं ये फिल्म उतनी अच्छी कमाई नहीं की, क्यों नहीं की? तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि COVID-19 के टाइम में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई दूसरी तरफ COVID-19 का लॉकडाउन जो है लगा दिया गया था।
इस फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में वरुण धवन, एनसाथी वाजवा और खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल लंदन में कपूर और फतेही सहित जो है बाकी टीम के साथ शूट हुआ था। मुख्य भूमिका के लिए कैटरीना कैफ मूल पसंद थी, लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और बहुत बाद में जो है कपूर कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म के लिए। अब शूटिंग के दौरान मई इन साथी शेड्यूल के दौरान उन्हें जो है यानी कि साथी मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। यह फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। आपको बता दें फिल्म में वरुण धवन के फर्स्ट लुक पोस्टर का अनावरण 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ किया गया था और पोस्टर में दिखलाया गया था कि यह फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी और सेम इसी टाइम में इस फिल्म को रिलीज किया गया। और रिलीज होने के बाद फिल्म से जितनी उम्मीद थी उतनी अच्छी कमाई नहीं की, क्योंकि फिल्म ने जो है काफ़ी बेहतरीन कमाई नहीं किया और फिल्म को फ्लॉप साबित कर दिया गया। इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो फिल्म को 97 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से अधिक की कमाई किया। तो दोस्तों ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि फिल्म को उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले थे। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और फिल्म को ज़्यादातर लंदन में शूट किया गया था और फिल्म को जब रिलीज किया गया तो लोग इसके बारे में ये कह रहे थे कि ये फिल्म एक अलग हलचल मचाएगा बॉक्स ऑफिस पे और इस फिल्म के अभिनेता भी यही सोच रहे थे, लेकिन सभी को गलत साबित कर दिया और फिल्म बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के मुख्य अभिनेता अगर हम बात करते तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नोरा फतेही फिल्म में अभिनय किए थे और इन सभी को आपने एक साथ फिल्म में देखे थे। फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करें तो रेमो डिसूजा सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म की कहानी भी रेमो डिसूजा सर ने ही लिखे थे। बेस्ड ऑन द लंदन स्ट्रीट डांसर 3D एक्सप्लोर्ड द फिल्म एंड कन्फाइड द बटवीन एंड द इंडियन डांस टीम एंड द रिवाइल पाकिस्तानी डांस टीम विच द एंड मेंबर द ट्राई द एंड प्रोव द एंड थीमिस एज द बेटर अंटिल द एंड टेक पार्ट इन द एंड ग्राउंड 01 ऑफ द एंड बिगेस्ट डांस द एंड कॉम्पिटिशन फॉर द डिफरेंट विल बी अंडर द एंड वर्जन द एंड क्रीमा ग्रो फ्लॉज द एंड हैज द एंड मेमोरीज थेट कॉम एंड टुगेदर टू बी विन द एंड कॉम्पिटिशन ओरिजिनली प्लैनेड एज द एंड सीक्वल टू बी डिजनी ABC 2 एंड 2015 मूवी द फिल्म वॉज द एंड टेक ऑफ द फिल्म एंड टाइटल डू यू टू डिजनी इज द एंड एग्जिट फ्रॉम द इंडियन फिल्म प्रोडक्शन एंड वॉज द इंस्टेड द एंड रिनेमेड टू बी एन कुरन टाइटल आफ्टर द भूषण कुमार एंड टोक ओवर एज द प्रोड्यूसर फिल्मिंग द एंड कॉमेंशन इन फरवरी 2019 इन पंजाब लेटर द मूवी टू एंड मूव टू द लंडन एंड वॉज द एंड ऑपरेटेड ऑफ इन जुलाई 2019 द फिल्म वॉज द थिएटरिकल रिलीज इन इंडिया ऑन 24 जनवरी 2022 द एंड नेगेटिव रिव्यू इन द मूवी इंडियन डांसर नूरल इज द डांसर हु द लीड्स एंड डांस टीम द एनिमेट एस्ट्री डांसर इंदर इज द फर्स्ट शो टू बी एंड डांसिंग एट द ग्राउंड द जीरो एंड बैटल विथ हिज द एंड ब्रोदर द सहेज सिंह नरूला एंड चीरिंग फॉर हिम द बॉट द एंड विल बी डूइंग अ फ्लिप द एंड स्टोंड हेयर द एंड अंजुरा हिट द लीग एंड आफ्टर 2 years ही इज द एंड हीलिंग इज द बॉट एंड कैनॉट द डांस एंड सहेज फ्रॉम द एंड इज थ्री डांसर अगैन एंड द एंड कन्वर्ट इट इज द इंटो एंड स्टूडियो द टुगेदर मनी एंड विज द एंड सोशल ही इज द एंड स्टैंड अबाउट द एंड रिफिलिंग द एंड पुडी इज वन ऑफ इज द एंड सहज क्लोज एंड फ्रेंड एंड अलॉन्ग विद द एंड द एंड सुशी हु आर ऑल द एंड पार्ट ऑफ द स्त्री डांसर will be swing the and dance studio to the and street dancer team the and run into the end Inayat Naji a Pakistani dancer and had the and crow the role and breaker the and Sahaj and the and Inayat have always he the been and स्टैंडलिस्ट द अगेंस्ट टू बी एन इज ओदर एंड दी एंड हैव द एंड हैव अ डांस बैटल दी एंड रूल ऑफ द एंड ब्रेक बेस द स्ट्रीट डांसर एंड एम्ब्रेसिंग द एंड इज द एंड प्रोसेस इनाइट द एंड कॉमिस द एंड टेकर हेयर द एंड थेयर एंड फैमिली इज द एंड आउट हो बॉक्स एंड द इनाइट द एंड लीज अबाउट द एंड डांसिंग द हैंडिंग द फिल्म द एंड ऑफ द फिल्म द टीम इन सहेज द विजिट द एंड रॉयल्स एंड ऑल द टीम द एंड रिकॉर्ड द holding dance group the and always win the and from the ground zero and competition hit the girlfriend and Mia is won the team and the hit the she hit the and incredible the dancer the and discourse on how the and irritated the and says the easy and Inayat and the crime to be down and
मैन टेन टू इस डांसर एंड गैंग द गिफर टीम हिज द एन स्पार्क डी एन वांटेड एन वांटेड द फिल्म द एन गैंग्स मीट ऑफ इन द एन रेस्टोरेंट फ्रॉम दी एन क्रिक द एन एन क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड सहस इज द टीम पाकिस्तान यूनाइटेड टीम विद द इन माई हैव द स्त्री डांसर वेंस इज द एन लिस्ट टू बी एन डांस बिटल द वेर माई एंड सो हेयर द एन मूव्स हेयर द एंड मूवेज हेयर द एंड अ फाइट ब्रेक आउट द बिटवीन द एंड टू टीम्स द एंड प्लेनेस द एंड पुलिस ऑफिसर एंड रेस्टोरेंट एंड द रेस्टोरेंट मैनेजर द राम प्रसाद ए के अन्ना कंट्रोल द फिल्म फाइट एट द एंड अ लव द इन इनायत लव इनायत सी द एंड होम द इज द ड्राइम द मूवी हिज द फाइनल राउंड दी विन दी पेडी एंड द रिचेट दी एंड डांस स्टूडियो ही इज द सी सहेज द एंड बिगिनिंग द एंड इंटरटेड बाय द एंड कैप सहेज द एंड रिवेल थेट विन दी वन टू बी इंडिया इंडिया फॉर हिज द एंड कंसेंट द एंड मैरिज ही द एंड मैरिज ही द मीट द अमरिंदर मल्होत्रा एंड थ्री अदर द फ्रेंड द एंड प्लेइंग ड्यूअल इन द मूवी अमरिंदर मल्होत्रा एंड थ्री अदर फ्रेंड द एंड प्लेइंग ढोल इन द एंड मैरिज ही वॉज द एंड इम्प्रेस्ड बाय द थ्रिल द एंटेंट बाय द एंड रिक्वेस्ट द सहेज टू बी टेक द टीम टू लंदन विच ही द टेंशन आफ्टर थियर द एंड अगेंस्ट ऑफर हग इन द अमाउंट ऑफ द 4 million रुपीज टू बी टेक टीम टू एंड लंदन फ्रॉम द वन दे वन टाइम विजिट द पार्ट ऑफ द एंड हिज द क्रो ही अग्रीड टू बी दिस वॉज हिज द एंड गोट द मनी टू बाय द एंड डांस स्टूडियो द पोडी एंड प्रोमिस टू बी नॉट टेल इट इज द यू एनी वन द ग्राउंड जीरो बेटल द एंड रिटर्न टू बी इंदिरा इन अस्के सहेज टू बी एंड द पार्टिसिपेटेड एंड विन विन इन द इनायत द एंड डिसाइड टू द एंड पार्टिसिपेटेड सो थेट द एंड कैन यू द मनी टू बी हेल्प द एंड इलीगल द एंड इमिग्रेंट द एंड एंड द राम सपोर्ट हेयर द राम कलेज टू बी टू एंड अगेंस्ट द मीट सी हैज द एंड दी एंड बिकम वन दे एंड वॉल बी हिज द एंड कॉम्पिटिशन बट बोट द एंड टीम दे टीम डेनी दी एंड ऑफर द सहे द एंड इम्प्रेसिज टू बी इन रोयल्स विद द एंड डांस एट द एंड नाइट क्लब ही द एंड टी द पुडी एंड द सुशी आर द सिलेक्टेड फॉर द रोयल्स द टू एंड गेंस मीट इन द एंड इन द रेस्टोरेंट अगेन दी हैव द एंड अग्रीमेंट which hand the end with Ram the end design Ram dancing the end so and the so casting his the end a ability to be sahed the end blended by the his the end ego toned down the end opportunity body is the in the relationship and the relationship with the end Alicia golf from the end Inayat is the end gang here the end releasing the Inayat the end Ganga are the end In the participant in the movie Ground Zero Battle should be had the and can the end retribute team the end prize money which is the end 100,000 and pounds to be help illegal and emergent and the till the says about is the end royals and dance studio says do is not and believe it the puddy and the fight and ensues between the board of the team and this the end cause puddy to and leave to be royals and the decide to be join the role and breakers and Inayat the accept and put into the team other the and members of the three dancer team also feel left the instead the and suspend all the time with the in royals the in now the first round of the movie and competition is the and easily the and surprise boy for the and royals and the role breaker as the sahed the and the sushi gets into the and visit with the and run into the and amrinder till the sahed the after the and dropped team of the in the went to be in hostel over the other illegal the and emergent are the where the staying and have and decide and the chases by the end police the end releasing third the end again to be hit the end chatted team by the end demanding the hug and sums of the money and the sending team to be UK illegally to the end forced to be the end identity as the end seek and the brought the end support he is the entry Punjab and room march when it the end homeless the illegal is the emergent to be an inert the games where the end design to be help he the end ask says for the help but the and Levi and the and leave saying to be in not now hit the movie and both team the in surprise to be in quarter final and enter to in semi final later the and royals and the sahaj are the and wilking in the london and the run into the and drummer where the and leader of the royals mago and accidentally break hit the and drum after the and saying the and sahaj felt the quality of his the ended in the semi final round sahaj the and level to be in royals and the help and inayat the gang win the round
ग्राउंड हिद एंड क्वेटी इन द रॉयल द एंड ब्रेकिंग एंड मिया हार्ट इन द ज्वाइंट टू बी दी एंड ग्रुप विद द इनायत इन द डिसाइन टू बी नेम इज द स्त्री डांसर थ्री दी वर ऑफ द इंडिया हिज द हिस्ट्री मनी एंड पैटी डर ऑक्सफोर्ड द मूवी इज द इनायत फैमिली एंड इनायत फैमिली फाइंस आउट अबाउट हेयर द डांसिंग एक्शन दी बैन हेयर द फ्रॉम डांसिंग द शोकिंग द टीम इन सहज एंड द जैन गो हेयर इन हाउस एंड कन्फाइज हेयर द फैमिली टू बी लेट हेयर द एंड डांस अ रिलेशनशिप द एंड एंड द ब्लॉसम बिटवीन दी सहज एंड द इनायत इज द एंड प्रिपेयर द फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द एंड ग्राउंड जीरो बैटल द एंड रॉयल्स ऑफ द एंड परफॉर्म ऑन द एंड Imagine the end crowd the street dancer performance at the end middle of the theater dance and members of the royals take up the end music the end host the end tell team the hit the end no music the end cannot dance Amrinder then use the end drum with the hind friend to be end music for team to dance to end Mark find out of the hit the team and members to the members talk of the end music and has the end to and pass it the back in and says he the did not want to be and chat at the ends of the from the end a dance have to be dosed in flop the and the flip stunt which got the end brother the enjoyed the end flow wisely and making his the brother and the country the end proud of this has guest the street dancer too and default to be royals and the end movie in the end has the end inayat begin the relationship at the end have to be emerged the and is kind during to and create the reveal and Amrinder Amrinder researched his the end will be and rest of the film and drama the again legal and the again legal the incident citizenship UK and the film increase SWAT and ego in the working to be an illegal the in emerged the end spread in the film बात करें इस फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म का संगीत सचिन जिगर एंड तनिष्क बाग्ची द्वारा बनाए गए हैं बादशाह गुरु एंड रांधवा गुरिंदर जो है इस फिल्म में सिंगल और हर्ष चैन के उपन्यास के लिए दिए हैं आपको बता दें जबकि जो है गीत कुमार प्रिया एंड सतीश्रैया गुरु एंड रांधवा बादशाह जिगर और सतीश्रैया तनिष्क बाग्ची वायु एंड IP सिंह जो है इनकी गर्वा एंड पुरोहित ने लिखे हैं कुणाल वर्मा एंड साथी गौरी संधू जो है सबीर अहमद एंड समीर अनजान एंड साथी मिलिन गब्बा और साथी असली गोल्ड में काम किए हैं फिल्म का कदलन का गीत जो है यानी कि मुकाबला जिसे हिंदी में हमसे है मुकाबला के रूप में ड्रॉप किया गया था और फिल्म के मूल रूप से AR रहमान द्वारा रचित किया गया था तमिल में वाली धारा गीत और PK मिश्रा हिंदी में और साथी मानो और साथी जो है इनकी एस वंडा धारा जो है गाया गया और फिर जो है तनिष्क बागची धारा फिर से जो है बनाया गया गाने का एक जो है इनके संस्करण शुरू में ABCD एनी बडी कैन डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था तीसरा गीत अवैध जो है इनकी हथियार 2.0 एंड साथ ही जैस्मिन जो है इनके सैंडल यानी कि सैंड लास्ट और गैरी संधु की जो है विशेषता वाले पंजाबी एकल और अवैध जो है हथियार का रीमेक है जिसे जो है इनकी बागची ने फिर से बनाया था आपको बता दें पाँचवा गाना गलदी लग दी लाहौर और दी गुरु रांधवा के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले गीत जो है लाहौर का रिमेक है जिसे सचिन जिगर के सहयोग से रांधवा ने खुद बनाया है आपको बता दें फिल्म का छठा गीत हिंदुस्तानी मूल रूप से शंकर एहसान लोहे धारा रचित की गई थी और सुनो गैर से जो है दुनिया वाले का रिमेक बनाया गया है छत्तीस समीर अनजान के गीत और शंकर जो है महादेव एन उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर जो है इनकी डोमिन धारा गाया गया है और हर्ष धारा फिर से इस फिल्म के गाने को बनाया गया है सातवां गाने पर हम बात करते हो बेजुबान कब से यानी कि ABCD एनी बडी कैन डांस के गाने जो है कि बेजुबान का रिमेक है इसे सोनी म्यूजिक इंडिया ने आयोजित किया था और अधिकारों की खरीद के बाद जो है रिमेक के बोल जिगर एंड साथी सरैया द्वारा लिखे गए थे जो संगीतकार जोरी सचिन जिगर के आधे थे जिन्हें जो है मूल रचना भी की गई थी और जिसके बोल जो है मयूर पुरी के थे आपको बतला दें फिल्म का 11वां गाना जिस पर जो है कि सिर्फ 2.0 एक जो है कि प्रमोशन गाना है जो पंजाबी सिंगल सिप का रिमेक है और जिसे जो है बागची ने रिमेक करके इस गाने को बनाया था अंतिम गीत को अगर हम बात करें तो मिले सूर्य यानी कि भारत में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इसी नाम के लोकप्रियता गीत का एक जो है ताकि एक जो है यानी कि रिहायश है और राष्ट्रीय पर्व के दिनों में नियमित रूप से जो है प्रसारित होता है और मूल रूप से जो है अशोक यानी कि पाठक धारा अशोक पाठ की धारा रचित की गई जो है पीयूष पांडे के साथ मूल हिंदी गीत यानी कि लिखते हैं सचिन जिगर धारा रचित की गई रिहांस इंसाद संस्करण में वाई और साथ ही आई पी सिंह के सहयोग से सरैया धारा गाने को लिखे गए थे और लगभग फिल्म के सारे गानों को सराहा गया था। फिल्म के गाने तो एक तरफ हिट हुए थे लेकिन फिल्म एक तरफ हिट नहीं हुई थी क्योंकि फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुई थी और फिल्म को जो है ज़्यादा यानी कि रिस्पांस भी नहीं मिला। फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो फिल्म को 97 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से आधे की कमाई किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभू देवा, एनूरा फतेही ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं वरुण धवन के बारे में और इनके बारे में यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ इनकी रियल लाइफ के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। बात करें वरुण धवन के बारे में तो फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नती घम टेट और साथ ही यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की थी। उन्होंने ड्रामा फिल्म माय नेम इज़ खान में 2010 में करण जौहर के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म के उद्योग में अपना काम शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की और वरुण धवन को 2012 और 2018 के बीच लगातार इकरा हुआ बॉक्स ऑफिस सफलताओं में चित्रित किया गया है। आपको बता दें वरुण धवन ने रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो फिल्म 2014, हम्पति शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म 2017 और एक्शन कॉमेडी दिलवाले फिल्म 2015, एंधिसुम फिल्म 2016 और जुड़वा 2 फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में ये काम कर चुके हैं। 2017 डांस फिल्म ABC 2 एंड 2015 और ड्रामा फिल्म सुई धागा 2018 और उन्हें जो है क्राइम थ्रिलर फिल्म जो है बदलापुर मूवी में 2015 में एक बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली और एक जो है लक्ष्यहीन व्यक्ति ने अक्टूबर 2018 में नाटक में हार का सामना किया और इन फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने तब से जो है पीरियड ड्रामा कलंक फिल्म 2019 और साथ ही संगीत में फिल्म जो है स्त्री डांसर 3D 2020 के साथ साथ जो है अमेज़न प्राइम वीडियो कॉमेडी दामा कुली नंबर 1 फिल्म 2020 को प्रमुखता दी है जिनमें से सभी जो है आलोचनात्मक और व्यावसायिक जो विफलताएँ थी जो उनके करियर को बाधित करती है। तो वरुण धवन ने अब तक जो है कई सारे फिल्मों में काम किए हैं और ये एक अकेला अभिनेता है जिन्होंने 11 दफ़ा फिल्म फेयर अवार्ड लिए हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना जो है कोई आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है, उन्हें याद करके आपको बतलाना होता है और वीडियो भी आपको पता है 2 घंटे का ऊपर का है। दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे हम फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि मूवी की अपलोड करने का हमें अनुमति नहीं है। अब बात करें वरुण धवन की रियल लाइफ के बारे में तो वरुण धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ जौहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ड्रामा स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर के बेटे रोहन नंदा के रूप में अस्वस्थ फिल्म के अंदर जो अपनी प्रेमिका सानिया भट्ट और सबसे यानी कि अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक जो है वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए साथी प्रतिस्पर्धा करते हैं। बॉलीवुड हंगामा के फिल्म समीक्षक तरुण आदर्श ने वरुण धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है फिल्म के अंदर। और सीएनएन आईबीएन के राजीव मंसत ने कहा यह वरुण धवन है जो एक यानी कि आत्मविश्वास आकर्षण इस फिल्म में लाते हैं और मोड़ के साथ जो है खड़े होते हैं, दोनों ही यानी कि हास्यपूर्ण से निपटने में सक्षम है। और आपको बता दें संवेदनशील दृश्य यानी कि आसानी से फिट नहीं होते फिल्म के अंदर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का एक जो है सफलता जिसने जो है दुनिया भर में 1.9 बिलियन से अधिक की कमाई की यानी कि इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन से अधिक की कमाई की और उन्हें प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद सहकलाकार आलिया भट्ट और मल्होत्रा के समान जो है जिनकी 2014 में उनसे पहले दूसरी रिलीज मूवी हुई थी और वरुण धवन को फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें से पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो मूवी था।
जो 2014 की फिल्म थी और तेलुगु फिल्म जो है यानी कि कंडीरेगा का रीमेक है, जिसे बालाजी मोशन पिक्चर द्वारा निर्मित और उनके पिता डेविड द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने श्रीनाथ सीनू प्रसाद की भूमिका फिल्म में निभाई, जो एक तेज तरार बउआ है जो अपनी ही सच्ची प्रेम रुचि सुनैना एन साथी गुराट डिया के बीच एक प्रेम त्रिकोण में शामिल है। इलियाना डी क्रिज इस फिल्म में दिखाई दी थी। इलियाना डी क्रिज द्वारा निभाई गई और उसकी एक तरफा प्रेमी आयशा सिंघल एक यानी कि खुखार गैंगस्टर जो है कॉम की बेटी है डॉन यानी कि नरगिस फाकरी द्वारा निभाई गई थी। और फिल्म फेयर की साथी रंदिता टंडन ने वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना में गोविंदा और प्रभु देवा से की। यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन भारतीय रुपये की व्यवसायिक जो सफलता के रूप में फिल्म उभरा था। अब इसके बाद वरुण धवन ने एक यानी कि चुलबुले पंजाबी लड़के के रीमेक की भूमिका निभाई, जो कि नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हमपति शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में एक यानी कि व्यस्त पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म और साथ ही नवोदित टेलीविजन जो है अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के बाद दूसरी बार आलिया भट्ट के साथ उन्हें अभिनय फिल्म को जौहर धारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया और ब्लॉकबस्टर में संक्षिप्त रूप से आए थे। और इंडिया टुडे के रोहित खिलनानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की थी और मिंड की नंदिता रामनाथ ने उल्लेख किया है कि वह फिल्म के कुछ यानी कि शांत दृश्यों में कितने अलग थे। और हमपति शर्मा की दुल्हनिया फिल्म ने 1.11 बिलियन से अधिक की कमाई किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा। 1.11 मिलियन को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो यूएसए डॉलर में फिल्म $15 मिलियन की कमाई करते हुए वर्ल्ड की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक रूप में ये फिल्म उभरा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्री डी फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि आपको बता दें फिल्म के कई ऐसे रीजन हैं जो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो वीडियो को अगर आप लोग भागा भाग के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग वीडियो को एक तरफ से देखना पसंद करोगे तो आपको वीडियो ऑफकोर्स अच्छा ज़रूर लगेगा। बात करें 2015 के बारे में, वरुण धवन की फिल्मों के बारे में, तो क्राइम थ्रिलर फिल्म बदलापुर जो है 2015 में रिलीज हुई थी। क्राइम थ्रिलर बदलापुर फिल्म 2015 में निर्देशक जो है श्रीराम राघवन ने वरुण धवन को पुणे के एक व्यक्ति राघव रघु एन साथी पुरोहित की भूमिका निभाते हुए देखा, जो 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का बदला एक जो है डकैती गलत तरीके से लेता है। फिल्म के अंदर रघु को चित्रित करना वरुण धवन के लिए एक जो है भयानक अनुभव था फिल्म के लिए, जो कि उनके साथ जो है अवसाद में फिसल गया था, क्योंकि एक बिंदु के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ, जिसके बारे में Rediff.com के राजा सेन ने उनके अभिनय क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपने सहज आकर्षक इंसानी आकर्षणों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जो है थोड़ी इंसानी असहाय प्रतिक्रिया सामना भी नहीं करते। वह जो है इनकी ज्वालामुखी से बुलबुले उठते हुए उनकी आंखों में दिखलाई देती है, साहब उनकी आंखें अक्सर बात कर रही होती है। वह उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। बदलापुर फिल्म ने दुनिया भर में 811 मिलियन भारतीय रुपए की कमाई की थी। बतला दे वरुण धवन ने अगली बार श्रद्धा कपूर के साथ वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई म्यूजिक डांस फिल्म जो है ABCD एनीबडी कैन डांस की अगली कड़ी में अभिनय किया, जिसका शीर्षक जो है डिज्नी की ABCD 2 रखा गया है, जिसमें उन्होंने किंग्स एन साथी यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक जो है सुरेश मुकुद ने वास्तविक जीवन के चरित्र को चित्रित किया, जो एक जो है नर्तक इंसान है मुंबई से, जिन्होंने 2012 में विश्व हिप हॉप डांस एन साथी चैंपियनशिप जीती थी। साथ ही रोयर्स के आलोचक जो है शिल्पा एन साथी जाम खंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की थी। वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र जो है संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर बाकी जो फिल्म सिर्फ संगीत एन साथी वीडियो का एक समूह हो सकती थी। ABCD 2 फिल्म ने दुनिया भर में 1.67 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में हम इन पैसों को कन्वर्ट करते हो $22 मिलियन की कमाई की। और फिल्म के व्यावसायिक जो है प्रदर्शन ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को इसे वरुण धवन की स्टार पावर का ऊर्ध्व मानता।
अंततः वह और कपूर अपने जो है ना कि समकालीनों में एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक जो है लाइव एक्शन डिज्नी फिल्म में अभिनय किया। वह जो है उसी वर्ष उनकी अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी के कलाकारों की टुकड़ी के एक्शन ड्रामा जो है दिलवाले फिल्म में थी, जिसमें जो है शाहरुख खान, एन काजोल और कीर्ति सुनन ने अभिनय किया था। आपको बता दें जिसमें जो है उन्होंने शाहरुख खान के चरित्र के छोटे भाई की भूमिका फिल्म में निभाई थी। साथ ही साथ उन्होंने कीर्ति सुनन की प्रेम रुचि भी इस फिल्म में दिखाई थी और आलोचकों से मिली जुली समीक्षाओं के बावजूद जो है यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और जिसने दुनिया भर में 3.75 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो एक बहुत ही बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई की वरुण धवन की सबसे अधिक कमाई करने वाली अब तक की रिलीज और सबसे अधिक जो है कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक के रूप में ये फिल्म उभरी। मई 2016 में उन्होंने फिल्म कैप्टन इंसाती अमेरिका जो है सिविल वार के लिए हिंदी में कैप्टन इंसाती अमेरिका की आवाज़ के लिए डब किया गया था। वह अगली बार एक्शन कॉप एंड कॉमेडी जो है डिशुम फिल्म 2016 में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था। जॉन अब्राहम और साथी जैकलिन फर्नांडिस के साथ जो है जुनैद जे अंसारी एक जो है धोखेबाज इंडो और साथी इमरित पुलिस वाले के रूप में मिश्र समीक्षा के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे दुनिया भर में 1.2 बिलियन से आधे की कमाई किया, जो इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 16 मिलियन से आधे की कमाई करने वाला सफल साबित हुआ था बॉक्स ऑफिस पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्री डेंजर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें वरुण धवन की 2017 के बारे में, 2017 साल के बारे में इनकी कितने फिल्में आए थे, तो साल 2017 के लिए इनको जो है काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। वरुण धवन ने खेतान और भट्ट के साथ जो है रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म 2017 के लिए फिर से काम किया, जो हम्पति सर्वा की दुल्हनिया का स्पिन ऑफ मूवी था, जिसमें से उन्होंने भट्ट के नायक चरित्र के लिए एक जो है कि कट्टरपंथी मंगेतर का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने लिखा है कि वरुण धवन एंड लड़के संघर्ष से पुरुष के रूप में प्रभावित करते हैं फिल्म के अंदर। इसके अलावा डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने कहा कि वरुण धवन और आलिया भट्ट जो साबित करते हैं कि स्क्रीन पर केमिस्ट्री कभी कभी आपको एक अनुमानित कथा के साथ एक जो है औसत कथानक में व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। उन्हें फिल्म के लिए फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन भी मिला। बाद में 2017 में उन्होंने डेविड की जुड़वा 2 फिल्म में अभिनय किया, जो उनकी 1997 की साथी जो है सलमान खान अभिनीत फिल्म जो है जुड़वा का रिबूट फिल्म था, जिसमें जो है फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ थे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 फिल्म दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी और प्रत्येक ने 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। फोर्ब्स ने प्रकाशित किया कि लगातार 9 बॉक्स ऑफिस हिट और 100 सफलता अनुपात के साथ जो है वरुण धवन ने खुद को बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया था। वरुण धवन की 2018 में 2 रिलीज हुई मूवी साथ ही सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर और शरद कटारिया की सामाजिक जो है समस्या वाली फिल्म सुई धागा दोनों ने उन्हें मामूली व्यावसायिक जो है सफलताओं के साथ प्रदर्शन के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली। और अक्टूबर सरकार की लगातार जो है सहयोगी जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित ने उन्हें जो है दानिश डैन इंसाती वालिया को चित्रित किया, जो एक लक्ष्यहीन होटल प्रबंधक जो प्रशिक्षुक है, इसका जीवन जो है उसके यानी कि सहकर्मी के कोमा में जाने पर कई जो है बदलाव से गुजरता है। एक अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाओं में फ्रस्पोस के अन्ना एमएम वेटी कैड ने वरुण धवन की इफेक यानी कि एनजी उन्हें जो है स्टार रडी और साथ ही एस वेगर जो है यानी कि ट्रेडमार्क
टेक मार जो है इनकी क्यूटनेस टू प्ले डैन के लिए जो है सराहना की। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और लिखा है कि उनका जो है इनकी हास्य सहज है लेकिन दर्द की उनकी जो है इनकी समझ और यह जो है मानव इंसानी व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है यह और भी बेहतर हो सकता है। सुई धागा फिल्म ने क्रमश वरुण धवन इंसानी अनुष्का शर्मा को मौजी और साथी ममता के रूप में चित्रित किया जो कि ग्रामीण भारत में एक जो है नवविवाहित जोड़े हैं जो अपने छोटे पैमाने पर जो है यानी कि कपड़ों का व्यवस्था शुरू करते हैं। और मेंट की उदिता झुंझुनवाला ने समीक्षा किया है कि वरुण धवन ने एक यानी कि सिंपल टी की भूमिका निभाने के लिए लेफ्टिनेंट को पूरा किया है और मौजी के लिए एक जो है यानी कि समान इन साथी भोले पंत लाते फिल्म के अंदर भले ही वह प्यार से अक्टूबर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित मिला। आपको बता दे उसी वर्ष वह गुरु रांघवा के एक गीत यानी कि हाई रेटेड जो है यानी कि गबरू के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष उपस्थिति में कपूर के साथ आए थे जिसका जो है मनोरंजन राघवा धारा जो है यानी कि नवाब जादे के साउंड एट पर जो है लिखा गया था जो उनके ABCD2 निर्देशक रेमो के प्रोडक्शन डेब्यू थे जिसने जो है काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपर हिट मूवी जिसका नाम है स्त्री डांसर 3D। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है स्त्री डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतलाए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड सी यू सून।